जो हम लोगों ने अपडेट और डिलीट वगैरह करना है, लेकिन उससे पहले जो था ना, हम लोगों ने इसके नेक्स्ट वाले बटन और प्रीवियस बटन को वर्क करना था। पेजिनेशन में कोई मसला किसी को इम्प्लीमेंट करके देखा था सबने पेजिनेशन वगैरह? बाकी सब अच्छा जी। अब यहाँ पर जो है ना, जो ये हमारे पास है नेक्स्ट वाला बटन है, नहीं ये प्रीवियस बटन नहीं है, कौन सा बटन है? ये वाला प्रीवियस बटन है, और ये वाला कौन सा बटन है? नेक्स्ट बटन है। अच्छा जी, नेक्स्ट वाले एक लॉजिक क्या बनेगी, किसी को पता है कुछ? अगर एक कॉमन सेंस के लिहाज से अगर सोचा जाए, नेक्स्ट बटन करता क्या? पेज प्लस वन ना, यानी कि जिस पेज पर है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने करना क्या, जिस पेज के अंदर मौजूद है, जब वो नेक्स्ट बटन में दबाएगा तो उस पेज में क्या कर देगा? इंक्रीमेंट कर देगा। क्या कर देगा? वो इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इधर कर्ली ब्रैकेट्स, जो हमारा फाइल URL है ये आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क आईडी नहीं, पेज है ना, यहाँ पर पेज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा फिर? डॉलर आई प्लस वन, ठीक है ना? इसको मुझे ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा ऐसा करके, या फिर इसको ना ऐसा करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर नेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है ना? बिल्कुल, कॉपी करके इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, फिर मैं सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट रिकॉर्ड पर आ गया, पेज यहाँ पर क्या आ गया? 13 आ गया, पेज यहाँ पर क्या आ गया? 13 आ गया। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर दोबारा पेज वन पर आऊँ, नेक्स्ट पर क्लिक करूँ, अच्छा जी समझ गया मैं, यहाँ पर आई लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखना था हम लोगों ने? जिस पेज पे मौजूद है वो, ठीक है ना? ये कहाँ पर? सॉरी, यहाँ पर वो एड्रेस आ रहा है इसका, ये ना, ठीक हो गया। लेकिन जब यहाँ पर 11 पे आते हैं, 11 पे दोबारा क्लिक करेंगे और 12 पे आ गया, और 12 पर आ गया ना, तो यहाँ पर डिसेबल होना चाहिए था। जब वो 11 पे आ जाए, उसके बाद क्या हो जाए? नेक्स्ट वाला बटन डिसेबल्ड हो जाए। अब डिसेबल्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ डॉलर पेज लेस देन या फिर इक्वल टू, ऐसे कुछ लेस देन नहीं करते, डॉलर टोटल पेज। अगर हमारे पास जो ये वाला वेरिएबल है लेस देन है किससे? टोटल पेजेस से, नहीं नहीं इक्वल नहीं करेंगे हम लोग, देन हमारे पास क्या करेगा वो, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, कट कर लेते हैं ऐसा करते हैं, उसके यहाँ पेस्ट कर दूंगा फिर, ठीक है ना? एल्स में क्या करेंगे हम लोग, एल्स में जो है हमारे पास इधर कुछ भी नहीं आएगा, हैशटैग लिखेंगे, और क्लास कौन से लगा देंगे हम लोग यहाँ पर? डिसेबल्ड, और इसको भी ठीक है, डिसेबल्ड हो गया, देखो जरा, ठीक है 10 पर आ रहा हूँ, अनेबल हो गया, यहाँ पर आ गया, अब इसको क्लिक कर रहा हूँ वो डिसेबल्ड हो गया, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे 11 है, मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई थी, पेज लेस देन क्या होना चाहिए? टोटल पेजेस के। अगर इसके इक्वल होता ना, देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर इक्वल लगता तो यहाँ पर अनेबल होता फिर, ये देख रहे हो, अब जाके डिसेबल हुआ। हमने क्या करना है कि वो जो है ना, जो ये वाला पेज का वेरिएबल है, ये वाला, वो लेस देन ही रहे, एक लेस देन रहे किससे? टोटल पेजेस से।
जब वो टोटल पेजेस तक पहुंचेगा तब तक वहाँ क्या हो चुका होगा, डिसेबल हो चुका होगा। ठीक है, सेम एट इस प्रीवियस के लेके हम बनाएंगे हम लोग, ये प्रीवियस बटन ना ये वाला, मैं यहाँ पर डॉलर प्रीवियस लग देता हूँ और यहाँ पर क्या आएगा फिर डॉलर पेज माइनस वन। अच्छा जी, और फिर इसी चीज़ का कॉपी कर लेता हूँ मैं, और कहाँ लिखूँगा मैं, इधर लिखूँगा, यहाँ पे क्या लिखा है प्रीवियस। अच्छा जी, सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मैं प्रीवियस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, पीछे आ गया वो, ठीक है ना। जब वो वन पर आ रहा है दोबारा पीछे क्या, वो देखो पेज क्या हो गया यहाँ पर, ज़ीरो हो गया पेज, जो वैल्यू यहाँ पर इसकी क्या हो गई यहाँ पर ज़ीरो हो गई, वो देखो ना। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लॉजिक का लगाएंगे यहाँ पर हम, इफ डॉलर पेज, इफ डॉलर पेज इक्वल टू, या फिर आप कह सकते हो उसको ग्रेटर देन वन, क्या हो ग्रेटर देन वन, देन हमारे पास इसको ये लिख दे, एल्स में क्या करेंगे हम इसको डिसेबल्ड कर देंगे इसको, जाहिर बात है वन से कम होगा तो डिसेबल कर देंगे ना हम इसको। यहाँ पर फिर कौन सी क्लास आ जाएगी, डिसेबल्ड। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख रहे हो भी डिसेबल्ड है ना ये, मैं यहाँ पर वन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ अभी, मैं दोबारा डिसेबल है, मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया टू पे आ गया, अनेबल हो गई है। ठीक है, ये देखो ज़रा अभी ये क्या हमारे पास डिसेबल्ड है, मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अनेबल हो गया, वो ब्लू कलर का बन गया। ऐसा करते इसका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा बहुत इंक्रीज करते हैं, फॉन्ट साइज हम से कर देते हैं लाइक 1.5 आरईएम कर देते हैं, कॉपी करूंगा मैं, इधर भी आ जाएगा ये नेक्स्ट वाले बटन का आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, वन पर आया डिसेबल हो गया, नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, वो नेक्स्ट वाला बटन डिसेबल हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया चीज़ का कि हमने ये कैसे करना है ये वाला काम। अच्छा जी, अब जो हमारा काम रह गया वो क्या रह गया, अपडेट का और डिलीट का। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट की, मैं यहाँ पर आता हूँ, डाटाबेस के अंदर आएंगे हम लोग और इधर फंक्शन बनाते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग पब्लिक फंक्शन डिलीट, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये कौन सा फंक्शन है, सेलेक्ट फंक्शन, यूनिवर्सल सेलेक्ट फंक्शन लिखेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्ट फंक्शन। पहले हम समझते हैं अपडेट क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर यूनिवर्सल अपडेट फंक्शन अपडेट। अच्छा जी, अपडेट क्यूरी हमारे पास कौन सी होती है, यानी कि लिखवाना क्यों, मुझे लिखवाया कि अपडेट क्यूरी क्या होती है, अपडेट क्यूरी डेटाबेस की, अपडेट अपडेट फ्रॉम टेबल नेम, इधर बिल्कुल सेट आएगा, यहाँ पर सेट आएगा, फिर आगे हमारे पास क्या आते हैं कॉलम नेम आता है, और कॉलम नेम के पास की वैल्यू आती है, अगर मल्टीपल वैल्यूज होंगे तो कॉमा लगेगा हमारे पास, ऐसे है ना, सर कॉपी करके यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अच्छा जी, टेबल नेम में बैक टिक्स भी लगते होते हैं हमारे पास, और कॉलम नेम में भी लगेंगे, और वैल्यू में क्या लगता है हमारे पास,
सिंगल क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अच्छा जी, कॉलम नेम में हमारे पास क्या आता है, बैकटिक आता है, और यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, अब जो हमारे पास एंड में क्या लगता है, फिर वेयर, और फिर प्राइमरी की अंडरस्कोर की, या फिर हम ऐसा करते हैं वेयर डक जो मर्जी इसके लिए ऐसा करना होगा, उसने एक वेरिएबल लग देंगे यहाँ पर हम लोग कि वो जो उस मर्जी की के लिए ऐसे अपडेट कर ले, ठीक है ना। यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, आई डी इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, कह सकते हैं अपडेट क्यूरी है। इसमें देखो ज़रा कौन चीज़ें कॉन्स्टेंट है और कौन चीज़ें वेरिएबल है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। टेबल नेम हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। टेबल नेम हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, जारी बात है। टेबल नेम चेंज होगा ना, उसके बाद फिर कॉलम नेम चेंज हो रहे हैं, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, और फिर ये चेंज हो रहा है। कॉन्स्टेंट डाटा कौन सा है, अपडेट फ्रॉम सेट है और वेयर है। ये चार चीज़ें हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाकी सब डाटा क्या है हमारे पास, वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, मैं यहाँ पर दो वेरिएबल लिखूँगा डॉलर टेबल, और सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, पैरम आ जाएगा, या फिर आप इसको डाटा कह लो, ठीक है ना। डाटा में हमारे पास क्या आएगा, एसोसिएटिव अरे आएगी। क्या आएगा यहाँ पर, एसोसिएटिव अरे आएगी। अच्छा जी, अब जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर दिस, दिस के बाद क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, क्यूरी। क्यूरी में सबसे पहले क्या आ जाएगा, अपडेट फ्रॉम डॉलर टेबल, और बाहर क्या लिखेंगे हम लोग, बैकटिक लिखेंगे। अच्छा, ये क्यूरी हम कब लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इफ डॉलर दिस, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चेक टेबल, इसमें हम लोगों ने एक पैरामीटर भेजना, कौन सा वाला, टेबल वाला। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो कहाँ पर आ जाएगा, वो ट्रू में आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स में आ जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। एल्स में हम लोगों ने क्या लिखा था, टेबल इज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे कुछ लिखा था ना हम लोगों ने, ये वाला, ये नहीं, किसी ने किसी में तो लिखा था हम लोगों ने, प्राइमरी की गेट रिजल्ट, और फिर इंसर्ट में लिखा था मेरे ख्याल से ना, ये रहा, कॉपी करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर लिखूँगा मैं एल्स में लिखूँगा मैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वेरिएबल है, कौन सा वाला वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है, इसे कॉपी करूँगा मैं, अपडेट में आऊँगा, इसे यहाँ पे लिख दूँगा मैं फिर, ठीक है ना। अब जो है हम लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पर, वेयर भी तो है हमारे पास, डाटा के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, डॉलर वेयर, और वेयर की वैल्यू हम लोग ऑप्शन लिखेंगे, नल रख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ डॉलर वेयर नॉट इक्वल टू नल, ठीक है ना। अगर हमारे पास वेयर की वैल्यू नल मौजूद नहीं है, देन क्या करें, कॉन्कैट कर दे वेयर को, और फिर डॉलर वेयर जो हम लोग यहाँ पर कंडीशन भेज रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई इशू की प्रॉब्लम, सबको क्लियर है यहाँ तक है, तो दो तीन बच्चों की आवाज़ आई है, बाकी सबकी नहीं आई, सबको क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो हमारा काम यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, और ये वाला भी हो गया, अब बाकी काम कौन सा रह गया, ये वाला, ठीक है ना। अब देखो ज़रा हमारे पास जो डाटा आ रहा है यहाँ पर, वो कौन सी फॉर्म में आ रहा है, एसोसिएटिव अरे में आ रहा है,
कौन से फॉर्म में आ रहा है? एसोसिएटिव एरे में आ रहा है। अब जो है मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये डाटा रखा है ये वाला, इसे कॉपी करूँगा मैं। मैं यहाँ पर ना एक वेरिएबल बनाता हूँ, लाइक एबीसी के नाम का वेरिएबल बना लिया, उसमें मैंने ये सेव कर दिया। हमने ना इस अरे को किस फॉर्मेट में लेकर आना है? ये वाली फॉर्मेट में लेकर आना है, यानी कि पहले कॉलम नेम और फिर वैल्यू। कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू। आसान तरीका हमारे पास क्या है, इसमें फोर इच लूप लगा दो। क्या लगा दो यहाँ पर? फोर इच लूप लगेगा, डॉलर एबीसी, जिसके अंदर अभी हमारे पास ये वाली अरे मौजूद है, ठीक है। एज यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर की, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? डॉलर वैल्यू। जो इसकी की होगी वो कहाँ पर आ जाएगी? इधर आ जाएगी, और वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा, खाली वेरिएबल। लाइक मैं कहता तो हूँ यहाँ पर डाटा फॉर्मेट लिख देते हैं यहाँ पर हम, जो कि हमारे पास क्या होगा? खाली होगा। अब डाटा फॉर्मेट नाम के वेरिएबल में मैंने क्या करना है? कॉन्कैटिनेशन करनी है। क्या करनी है यहाँ पर मैंने? कॉन्कैटिनेशन करनी है। शुरू में हमारे पास क्या आएगा? डॉलर की, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या देगी? बैकटिक लगेंगे इसके ऊपर। क्या लगेंगे इसके ऊपर? बैकटिक लगेंगे, इक्वल टू, और फिर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? डॉलर वैल्यू, और इसके ऊपर हमारे पास क्या लगेंगे? सिंगल कोटेशन मार्क, ठीक है ना। और शुरू में हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर? इधर, इधर नहीं लगा सकते, इधर लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। इधर क्या लगा देंगे हम लोग? कॉमा लगा देंगे। फर्स्ट वैल्यू वाई प्रिंट हुई, किससे कॉन्कैट हो जाएगी? इसके साथ कॉन्कैट हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? कॉमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? कॉमा आ जाएगा। फिर सेकेंड लूप चलेगा, सेकेंड लूप में की निकलेगी, ये वाली ईमेल, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा? कॉमा आ जाएगा। थर्ड लूप चला, थर्ड लूप में पासवर्ड यहाँ पर आ गया और वैल्यू यहाँ पर आ गया, फिर क्या आ गया? कॉमा आ गया। सेव करता हूँ मैं इसको, यहाँ पर इसको एको करें हम लोग डॉलर डाटा फॉर्मेट को, ठीक है ना। उसका भी हल्ला भी वो करना है मेरे भी, ठीक। उसका भी सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, फंक्शन को चलाएंगे हम लोग यहाँ पर डॉलर ओबीजे अपडेट। अपडेट में हमारे पास टेबल आ रहा है, टेबल हमारे पास कौन सा है? यूजर्स, और यहाँ पर डॉलर एबीसी नाम वाला पैरामीटर भेज दिया, और यहाँ पर हम उसको भी नल कर देते हैं। अभी हम सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। वैसे करता हूँ, जो भी हमारे पास क्यूरी आ रही है, वाली क्यूरी कहाँ से आ रही है? आई थिंक सो पेजिनेशन से आ रही है ना वाली क्यूरी, ये रही। यहाँ पर देखो क्या लिखा आ गया, यूज़र नेम लिखा आ गया बैकटिक में, वैल्यू आ गई यहाँ पर यहाँ तक, ठीक है। फिर कॉमा, और फिर ईमेल, ये आ गया इसकी वैल्यू, फिर कॉमा आ गया, पासवर्ड आ गया इक्वल टू वैल्यू, फिर कॉमा आ गया। यहाँ पर देख रहे हो एंड में भी कॉमा आ रहा है, हालांकि अपडेट क्यूरी में एंड पे कॉमा नहीं आता, नहीं आता ना। अगर मैं इसकी पूरी की पूरी के क्यूरी क्या करूँ यहाँ पर, प्रिंट आउट करूँ, हमारे पास जो अपडेट फंक्शन है ये रहा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर इसे कॉन्कैट करूँगा, मैं कॉन्कैट दिस वन, ठीक है। उसके बाद जो है ना इधर क्या कर दूंगा मैं, इसको एको कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब जो हमारे पे ये क्यूरी बनी है, अपडेट फ्रॉम यूजर्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही, एक इधर स्पेस लगेगी एक, तो उसके बाद ये सारी की सारी कीज आ गई हैं, ठीक है ना। अब इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और एक स्पेस लगा देंगे हम लोग। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर साथ साथ वेर भी भेजता हूँ, वेर क्या भेजूँगा यहाँ पर मैं, यूज़र अंडरस्कोर आई डी इज इक्वल टू 4, और ये बैकटिक के अंदर आएंगे। फिर अब यहाँ पर देख रहे हैं अपडेट, अपडेट फ्रॉम यूज़र्स,
स्पेस यूजर नेम इक्वल टू एक्स वाई जेड, ई मेल ये आ गई और पासवर्ड ये वाला आ गया। यहाँ पे देखो ये आ गया तरी कॉलम ये वाला कॉमा, फिर क्या लिखा हुआ है वेयर यूजर आई डी इज इक्वल टू फोल्ड लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने क्या करना है, क्यूरी तो बन गई, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर आता भी हूँ, मैं हम कौन से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ ये इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, इसमें आई डी मौजूद है फोर वाली, हाँ मौजूद है। एसक्यूएल में आते हैं हम लोग, यहाँ पे आके लिखता हूँ और वो करते हैं, यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर एरर कह रहा है इन योर सिंटेक्स, एसक्यूएल के अंदर सिंटेक्स है ना वो ख़राब है, कहाँ पर इधर ख़राब हो रहा है इधर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये कॉमा हटाया तो उसने बकायदा यहाँ पर बता दिए, ये कॉमा ऐसे हटाऊँगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अच्छा जी, यानी कि ये हमारे पास आएगा इधर आएगा डेट यूज़र, ये ख़त्म होगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग सेट लिखेंगे, ये दो चीज़ें वहाँ पर ठीक करने वाली थी। यहाँ पर आते हैं हम लोग डेटाबेस में आएंगे और यहाँ पर क्या लिखना लिखना है हम लोगों ने, सेट लिखना है ठीक है, और फ्रॉम को यहाँ से रिमूव करना है, अपडेट टेबल सेट और फिर ये वाली सारी कीज़ आ जाएंगी, कीज़ के बाद वेयर आ जाएगा और हम पे क्यूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं यहाँ पर आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, अब ये हमारे पे क्यूरी बनी ये वाली, अपडेट यूज़र सेट यूज़र नेम, इसे कॉपी करूँगा मैं यहाँ पर, इसको पेस्ट करता हूँ मैं, अच्छा जी यहाँ पर आ गई देखो ये एरर, इसे ख़त्म करूँगा अब एरर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब इसे जो है कोडिंग में क्या ठीक करना है, अब जाहिर बात है लूप लगा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर लूप लगा हुआ है और एंडिंग पॉइंट में क्या लगा हुआ है यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर डाटा फॉर्मेट इक्वल टू आर ट्रिम, क्या लिखा मैंने यहाँ पर आर ट्रिम, यानी कि राइट ट्रिम, राइट साइड पर है कॉमा, ये देखो ज़रा राइट साइड पर है, यानी कि जो सबसे एंड पर होगा ना राइट साइड पर, उसमें से हम लोगों ने क्या रिमूव करना है, मैंने उसे कहा कि भाई इसमें से जो है ना आप लोग क्या रिमूव करो, कॉमा रिमूव करो, किस वेरिएबल में से, डॉलर डाटा फॉर्मेट वाले में से, ठीक है ना। मैंने राइट ट्रिम, एक हमारे पास खाली ट्रिम होता है ठीक है, एक होता है राइट ट्रिम, एक होता है यहाँ पर लेफ्ट ट्रिम, ठीक है, मैं भी यहाँ पे लिखा है राइट ट्रिम लिखा, यानी कि इस वेरिएबल का जो राइट मोस्ट डाटा, राइट मोस्ट डाटा वो क्या होगा, कॉमा है ना यहाँ पर, मैंने उसे कहा भाई कि आप उसके राइट मोस्ट में जाओ और क्या रिमूव करना है आप यहाँ से, कॉमा रिमूव करना है इस वेरिएबल में से, ठीक है। जो डाटा आएगा दोबारा किस में सेव कर देना है, इस ही वेरिएबल में दोबारा सेव कर दो, ठीक है, उस वेरिएबल को फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया, सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब क्या कर रहा है अभी वो, अच्छा जी इसने यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ, नहीं एक मिनट को जरा चेक कर लेते हैं हम लोग कैसा करते हैं, रिमूव राइट मोस्ट कॉमा फ्रॉम स्ट्रिंग पीएचपी, अच्छा जी हमारा कुछ ऐसे ही बना ना यहाँ पर, इससे कीज आ रही है हमारे पास और कॉमा यहाँ पे लिखा है, वो कह रहा है भाई मेरे पास डाटा ऐसा आ रहा है उसको मैंने ऐसा करना है, क्या करेंगे हम उसके लिए, ठीक हो गया, यानी कि वो कह रहे पहले हमारा वेरिएबल आएगा फिर ये आएगा, आर ट्रिम ही यूज़ होगा हमारे पास जो है ना, आर ट्रिम ही यूज़ होना, लेकिन क्या होगा यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल आएगा, वेरिएबल के बाद फिर बताएंगे इसको कि क्या आप लोगों ने यहाँ पर रिमूव करना है। सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इधर आके रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पर देखो रिमूव हो गया कॉमा ये वाला, ठीक है ना, अब क्यूरी बन गई हमारी पूरी की पूरी ये वाली। अब क्या करना रह गया इसको, एग्जीक्यूट करना रह गया, क्या रह गया यहाँ पर एग्जीक्यूट करना रह गया है। अब मैं क्या करूँगा,
डॉलर दिस, दिस के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एग्जीक्यूट, और साथ साथ मैं ऐसा कहता हूँ एग्जीक्यूट फंक्शन में आता हूँ। यहाँ पे नंबरोज बना हुआ है ना, नंबरोज के लिए हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ठीक है। और साथ साथ मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ, इसी में लिख दूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं, अफेक्टेड रोज, क्या चीज, अफेक्ट अंडरस्कोर रो, कि हमारे पास जो है कितनी अफेक्ट की है रोज में, ठीक है ना, कि एक रो अफेक्ट हुई है, दो रो अफेक्ट हुई है, तीन रो अफेक्ट हुई है। अफेक्ट रोज जैसे कि हमारे पास नंबरोज है ना, नंबरोज किसके लिए इस्तेमाल होता है, सेलेक्ट क्वेरी के लिए, इंसर्ट फंक्शन और अपडेट फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते होते हैं फंक्शन अफेक्ट रोज। यहाँ पर लिखता हूँ मैं अफेक्ट रोज पी एच पी, अच्छा यहाँ पर देख रहे हो क्यूरी एक्टिवेट हुई, उसके बाद क्या लिखे इसने यहाँ पर अफेक्टेड रोज, कि इस क्यूरी से हमारे पास कितनी रोज को अफेक्ट हुआ है। नम रोज जो है ना सिर्फ और सिर्फ चलता है सेलेक्ट के साथ। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने जब इंसर्ट फंक्शन इस्तेमाल किया था उसमें वो नहीं चला था नम रोज वगैरह, ठीक है ना, उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, अफेक्ट रोज, क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पर, अफेक्टेड रोज इस्तेमाल करेंगे। ये इसकी पी एच पी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा इसके बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ट्रू भेजूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और फिर हम लोग जो हैं, मैं इस फंक्शन में आता हूँ, इस फंक्शन में इतना अच्छा से कॉपी करूँगा मैं, तो यहाँ पर लिखूँगा फिर मैं एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद क्या आएगा फिर, अफेक्ट अफेक्टेड रोज, ठीक है ना, क्या कह रहा हूँ, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, क्यूरी यहाँ पे लिखी, जिस क्यूरी के साथ हम कर रहे हैं वहाँ पे अफेक्टेड रोज लग रहे हैं, हाँ ठीक तो है, इसमें क्या कनेक्शन वेरिएबल, ये वाला हमारे पास कनेक्शन वेरिएबल यहाँ पर लिखा रहा है, कौन सा वेरिएबल यहाँ पर आएगा, कनेक्शन वेरिएबल आएगा, एग्जीक्यूशन वाला वेरिएबल नहीं आएगा। उसके बाद क्या कर दूंगा यहाँ पर, ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं हम लोग, ठीक है, रिटर्न में क्या भेजेंगे हम लोग, मैं यहाँ पर इसी चीज़ को कॉपी करके डॉलर रिजल्ट इक्वल टू अफेक्टेड रोज, ठीक है ना, और फिर डॉलर रिजल्ट, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम लोग, वो डेटाबेस में ऊपर आते हैं जहाँ पर हम लोग ने अपडेट क्यूरी लिखी हुई है, यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या है, डॉलर दिस क्यूरी, सेकंड पैरामीटर कौन सा मैसेज है उसको मैं नल कर दूंगा मैं, कि मुझे मैसेज वगैरह को रिटर्न नहीं करना अभी, या फिर कर देते हैं कौन सा मैसेज रिटर्न करेंगे यहाँ पर, डाटा हैज़ बीन अपडेटेड वाला, और फिर यहाँ पर नंबरोज आ जाएगा फॉल्स, और फिर वहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो है हम लोगों ने यहाँ पर, इधर आते हैं हम लोग डेटाबेस में ऊपर आते हैं हम लोग, यहाँ पर ये लिखा हुआ ना, यहाँ पर क्या चेंज करेंगे हम लोग, डाटा चेंज करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पर क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा मैं। ये डाटा वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, जो फंक्शन से आ रहा है, यहाँ पर मैं एसोसिएटिव अरे भेजूँगा, इधर आएगी फिर लूप चलेगा, ट्रिम होगा, क्यूरी में सेट हो जाएंगे वैल्यूज, और फिर हमारे पास ये चीज़ चल पड़ेगी, यहाँ से आएगी ना, इधर से आएगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कह देता हूँ
एक्स वाई जेड टू लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूली अपडेटेड, ठीक है। सेव करते हैं हम इसको, यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं, डाटा प्रिंट हुआ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ओके करते हैं ज़रा। यहाँ पर हमारे साथ हो गया न्यूली अपडेटेड, लेकिन मसला क्या हुआ है कि डाटा हैज़ बीन अपडेटेड शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो नहीं हुआ मुझे को समझ आ गया, यहाँ मुझे फॉल्स करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से रिटर्न हो गया। बताऊँ हुआ क्या, यहाँ पर जब इधर आया ना, इधर आया, इसको मैंने ट्रू किया हुआ था अफेक्टेड टू उसको, ठीक है, वो यहाँ से क्या हो गया रिटर्न हो गया, यहाँ से क्या हो गया वो रिटर्न हो गया। मैसेज तो यहाँ पर लिखा हुआ ना, मैसेज तो हमारे पास इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इफ़ ये कहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है अफेक्टेड ड्रॉस, इसके एल्स में लिखा नहीं चाहिए वैसे, ये मैसेज वाला था ना, ये वाला इधर ना लिखा हो, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कैसे करके। अच्छा जी, डेटाबेस में आते हैं हम लोग, उसके बाद जब अपडेट फंक्शन है, अपडेट 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 ये ला फंक्शन है, फॉल्स यहाँ पर कर दिया हमने, फॉल्स यहाँ पर कर दिया, लेकिन मैसेज शो नहीं हुआ, मैं क्यों नहीं हुआ, अच्छा ये यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, अपडेट का फंक्शन है। पैरामीटर कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पर, क्यूरी वाले आ रहे हैं, मैसेज का भी आ रहा है और ये चीज़ वाले भी आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। फॉल्स फॉल्स है, हाँ ठीक है, फॉल्स फॉल्स है, इधर आ गया अफेक्टेड ड्रॉस फॉल्स है, तो कहाँ पर आएगा वो चलेगा नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया समझ गया, क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर इसको एको भी करना पड़ेगा फिर। डाटा हैज़ बीन अपडेटेड, एको क्यों लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर देख रहे हो मैसेज तो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है ना, मैसेज यहाँ पर रिटर्न हो रहा है एग्जीक्यूट फंक्शन के ऊपर, यानी कि यहाँ पर भी सेफ है, जब तक मैं उसको एको नहीं करूँगा उसका प्रिंट ही नहीं होना, उसने यहाँ पर प्रिंट ही नहीं होना। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं टेस्ट करूँ ज़रा, अगर मैं इधर इसको ट्रू कर दूँ, हाँ ठीक है, यहाँ पर फॉल्स कर देते हैं उसको। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं हम लोग, डाटा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यूजर आईडी नंबर 4 थी ना, इधर चेंज हुआ, हाँ इधर चेंज हो गया ये रहा, ठीक है ना। टेबल में क्यों नहीं हुआ, हाँ हमें डिसेंडिंग ऑर्डर शो कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर वगैरह, ठीक है ना, हम डिसेंडिंग ऑर्डर शो कर रहे हैं, किस तरह नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहे हैं हम लोग, अगर असेंडिंग होता तो फिर ऊपर से लेकर नीचे आता आता, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है तो पूछ लो, बिल्कुल दोबारा बताया तो अपडेट फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया, टेबल वेरिएबल आया, डाटा वेरिएबल है और क्या है हमारे पास वेयर कंडीशन है। डाटा वेरिएबल क्या एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर एक एसोसिएटिव अरे एक्सेप्ट करेगा, टेबल के अंदर टेबल नेम आएगा और वेयर के अंदर हमारे पास वेयर कंडीशन आएगी। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया क्या वो टेबल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पर क्यूरी के अंदर अपडेट, जो टेबल आ रहा था वो फिर सेट, सेट के बाद जो अरे आ रही थी कौन सी वाली एसोसिएटिव अरे आई थी उसके ऊपर हमने लूप लगाया, लूप लगा कर हमने उसको कौन से फॉर्मेट में किया, ये वाले फॉर्मेट के अंदर कर दिया। और ये जो डाटा कहाँ पर सेव है, ये वाले वेरिएबल के अंदर सेव है। अब थर्ड चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहती है, जो सबसे आखिर में कॉमा आएगा, सबसे आखिर में कॉमा आएगा राइट साइड पर, उसको रिमूव करना था, उसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया,
राइट ट्री में इस्तेमाल किया, हमने कहा भी कि इस डाटा में से क्या रिमूव करना है, ये कॉमा रिमूव करना है। उसने राइट मोस्ट वाला कॉमा रिमूव कर दिया, उसके बाद दोबारा कहाँ पे सेव कर दिया, इसी वेरिएबल में सेव कर दिया। उसको मैंने ये वाली क्वेरी के साथ कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद या फिर कॉन्कैट करने के बाद मैंने चेक किया क्या वेयर कंडीशन मौजूद है या नहीं। वेयर कंडीशन अगर मौजूद है वो भी इसके साथ क्या कर दो, कॉन्कैट कर दो। कॉन्कैट करने के बाद बस हम लोगों ने यहाँ पर क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, मैसेज शो कर दिया डाटा हैज बीन अपडेटेड, बस ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाकर ये वहाँ पर फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर टेबल एम आ गया, इधर क्या आ जाएगी हमारे पास एसओटी वेरी आ गई। अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ अपडेट ईमेल एट द रेट ईमेल डॉट कॉम, सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, फिर रिफ्रेश करते हैं, चेंज हो गया हम डाटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वेयर में आप लोगों ने याद रखना है वो डाटा लिखना है, यानी कि जो प्राइमरी की लिखो या फिर अब उसकी ईमेल लिखो, जो मर्जी लिखो, यानी कि जिसके ज़रिए आप अपडेट करोगे डाटा को, ठीक है ना। अच्छा जी, अपडेट का समझ में आ गया कि अपडेट करते हैं कैसे। हाँ हाँ, उसके भी ज़रिए कर सकते हो। अच्छा जी, डिलीट वाला करें फिर हम, डिलीट वाला सबसे ज़्यादा ईजी है। डिलीट वाले में ना सिर्फ और सिर्फ टेबल नेम आएगा, क्या आएगा उसमें, सिर्फ और सिर्फ टेबल नेम आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट के अंदर यूनिवर्सल डिलीट फंक्शन। यूनिवर्सल इसे लिख रहा हूँ ताकि जारी बात है ये हर एक टेबल के लिए, हर एक डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होगा, तभी मैंने फंक्शन नेम का लिखा है यहाँ पर यूनिवर्सल डिलीट, यूनिवर्सल अपडेट इंसर्ट के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर ये रहा, और सेलेक्ट को लेकर नीचे बना हुआ है। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पर आते हैं, क्या लिखेंगे अब हम लोग, पब्लिक फंक्शन डिलीट। डिलीट में सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर आएगा, कौन सा पैरामीटर आएगा, अच्छा जी डिलीट, यहाँ पर सिर्फ एक पैरामीटर आएगा, कौन सा वाला आएगा, टेबल आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, टेबल आएगा। अब क्यूरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉलर दिस क्यूरी डिलीट फ्रॉम, और फिर यहाँ पर क्या रहेगा, टेबल डॉलर टेबल, नहीं कौन पैरामीटर आएगा, कौन सा पैरामीटर आएगा, वेयर का, कौन सा पैरामीटर आएगा, वेयर का आएगा, डॉलर वेयर इक्वल टू, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लिखेंगे इफ नॉट इक्वल टू नल, तो फिर क्या कर दें हमारे पास, कॉन्कैट कर दें इसके साथ वेयर को, ठीक है ना, डॉलर वेयर को, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देंगे, डॉलर दिस एग्जीक्यूट, यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर आएंगे, डॉलर दिस क्यूरी, और सेकंड पैरामीटर कौन सा आएगा हमारे पास, मैसेज का, डाटा हैज बीन डिलीटेड, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर जो सेकंड फंक्शन है कौन सा वाला, डिलीट का, उसे कॉल करूँगा, ये वाली की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिर्फ क्या आएगा, टेबल आएगा, और फिर जहाँ से आप लोगों ने उसको डिलीट करना है। सेव करता हूँ मैं, इधर आता हूँ, ये टेबल आईडी है यहाँ पर जिसका मैंने टारगेट किया हुआ है, रिफ्रेश करते हैं,
हमारे पास जो है वो डिलीट तो हो गया लेकिन मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ है। यहाँ पर आता हूँ, अगर मैं इसको ब्राउज करूँ, हाँ आईडी नंबर 4 यहाँ डिलीट हो गई है लेकिन मैसेज क्यों नहीं हुआ। वही चीज़ डेटाबेस में आऊँगा, यहाँ पे करूँगा उसको मैं एको करूँगा मैं फिर। अब जो है बिल्कुल डिलीट हो गया ना, बोलो अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूँ मैं, डाटा हैज़ बीन डिलीट चल गया। अब ये क्यों शो कर रहा है, हालांकि वो डिलीट हो गया, वह डिलीट हो गया वरना ये हमारे पे इसलिए शो कर रहा है क्योंकि एग्जीक्यूट हो चुका हुआ डाटा, क्यूरी एग्जीक्यूट यहाँ पर हो रही है। हमने यहाँ पर चेकिंग नहीं लगाई, हम लोगों ने यहाँ पर चेकिंग नहीं लगाई हुई कि अगर वो एग्जिस्ट है तो ये शो कर दे, अगर वो एग्जिस्ट नहीं है तो फिर ये शो कर दे। बिल्कुल नहीं चेक टेबल वाला नहीं, यानी कि हम लोगों का चेक रिकॉर्ड वाला ना अपने लगाया हुआ। चेक रिकॉर्ड में क्या होगा, वो चेक करेगा अगर ये रिकॉर्ड डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो डिलीट करेगा, अदरवाइज यहाँ पर डिलीट नहीं करेगा। वो वाला काम नहीं किया हुआ, वो आप लोग कर सकते हो तो खुद ही, वो आप लोग खुद करना, ठीक है ना। यहाँ तक सारा क्लियर हो गया कि अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, यहाँ तक कोई इशू कोई प्रॉब्लम। अब जो है ना हमारे पास इंसर्ट फंक्शन बन गया, सेलेक्ट भी बन गया, अपडेट भी बन गया और डिलीट भी बन गया। अब मिसाल के तौर पर अब आप चाहते हो कि मैं अपनी तरफ से कोई एक क्यूरी बनाऊं, अपनी तरफ से कोई एक क्यूरी, वैसे हम बताते हैं ना क्यूरी लिंक के साथ क्यूरी लिखते होते हैं हम लोग। अब जाहिर बात है बाहर तो हम लिंक का वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, बाहर जो है जो ये लिंक वाला वेरिएबल है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और लिंक वाला वेरिएबल लाजमी है अगर आप अपनी तरफ से कोई क्यूरी लिख रहे हो, ऐसे ही है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मैंने यहाँ पर क्यूरी बनाई है, डॉलर क्यूरी बनाता हूँ यहाँ पर मैं, इक्वल टू मैंने कुछ भी यहाँ पर लिख दिया, मैंने मिसाल के तौर पर लिख दिया अभी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, मैंने यहाँ पे एक क्यूरी बनाई है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लिंक की ज़रूरत पड़ती है, डाटाबेस कनेक्शन जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर ओबीजे, उसमें से क्या निकाल के दे मुझे लिंक निकाल के दे, उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे हम लोग, ऐसे ही करेंगे ना हम इसको। और फिर इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्यूरी वेरिएबल लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, सेव करता हूँ, इधर आते हैं रिफ्रेश करते हैं, एरर आ गया। क्या कह रहा अभी, कैन नॉट असेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी एप्ट डेटाबेस लीड डॉलर लिंक, ये एरर आ गया हमारे पास। जाहिर बात है लिंक तो हमारा प्रोटेक्टेड है, हम इसको बाहर रख भी नहीं सकते, वरना हमारे पास सिक्योरिटी लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, यानी कि यूनिवर्सल क्यूरी एग्जीक्यूट, ठीक है ना, पब्लिक फंक्शन एसक्यूएल के नाम से, किस नाम से, एसक्यूएल के नाम से, और यहाँ पे लिखूंगा फिर मैं एक ही डाटा आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, कुछ भी लग जाए यहाँ पर क्यूरी लग जाए यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो भी क्यूरी आएगी उसको मैंने किस में सेव करना है, डॉलर दिस और फिर क्यूरी, डॉलर दिस क्यूरी इक्वल टू डॉलर क्यूरी, जो भी यहाँ पर क्यूरी आएगी उसको किस में सेव कर देगा, वो ये वाली क्यूरी में भेज देगा। और साथ ही साथ ऐसा करता हूँ मैं, अगर उसको कोई मैसेज डिस्प्ले करना हो, डॉलर मैसेज इक्वल टू नल, ऑप्शनल चीज़ है ये चीज़, अगर उसने यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करना हो तो यहाँ पर भेज दे, ठीक होगी। फिर क्या लगेगा, इफ मैसेज नॉट इक्वल टू नल, या फिर अगर उसको डायरेक्टली भी लिख देंगे ना, तो जाहिर पता है क्यूरी में से लिखा हुआ ना, डॉलर दिस फंक्शन कौन सा लगेगा यहाँ पर, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट में हम लोग क्या भेजेंगे, डॉलर दिस और यहाँ पर फिर क्यूरी, और सेकंड पैरामीटर हमारे पास क्या होगा, मैसेज होगा। जाहिर बात है अगर नल होगा तो यहाँ पर नल आ जाएगा, अगर कोई मैसेज होगा तो फिर मैसेज आ जाएगा, और साथ साथ यहाँ पर क्या करेंगे, उसको एको कर देंगे, क्या कर देंगे हम उसको एको कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अगर मैं यहाँ पर क्यूरी भेजी, मैंने यहाँ पर फंक्शन है वापस क्या है,
फर्स्ट पैरामीटर कौन सा आ गया? क्यूरी का आ गया। अगर मैं यहाँ पर साथ साथ के भेजूँ, मैसेज भेजूँ, क्यूरी एग्जीक्यूटेड लिखा गया यहाँ पे, क्यूरी एग्जीक्यूटेड। अब क्यूरी एग्जीक्यूट कैसे चेक करें हम? हमारे पास कौन सा था यहाँ पर, तो ए बी सी इक्वल टू डॉलर ओ बी जे, फंक्शन नेम क्या था हमारे पास, गेट रिजल्ट। ये लिखने के बाद हमारे पास वो वेरिएबल बना हुआ ना, हेल्प कहाँ बना हुआ, डॉलर हेल्प इज इक्वल टू, यानी कि इसमें से हम लोगों ने कौन सा फंक्शन निकालना है, प्री का। हेल्प में से हम लोगों ने प्री का फंक्शन निकाला, और कौन सा वेरिएबल यहाँ से लिखा, ए बी सी वाले। आ गया यहाँ पर सारा डाटा, सारा का सारा आएगा यहाँ पर 110 तक, पूरा का पूरा, यहाँ तक 50 तक आ गया पूरा का पूरा। ठीक है ना, क्लियर हो गया चीज़ का। अब देखो क्यूरी मैंने यहाँ पर खुद लिखी थी, मैंने क्यूरी थी हमारे पास खुद लिखी है यहाँ पर, यहाँ पर एग्जीक्यूट की, गेट रिजल्ट लिखा और फिर प्री कर दिया। अब जो है हमारे पास सारे के सारे फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी फंक्शन है ना हमारे पास, सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा बहुत टॉपिक हमारे पास चेंज होगा, वो है एजेक्स। क्या है एजेक्स? यानी कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट ऑटोमेशन कोड। ठीक है ना, एजेक्स होता है क्या है, जैसे कि जब आप लोग फॉर्म बनाते हो, फॉर्म में सबमिट करते हो डाटा को, पेज पे लोड होता है, किसी और पेज में आता है डाटा, क्यूरी वहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, फिर वापस आता है, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे लोडिंग टाइम आ गया, एक क्या आ गया यहाँ पर, एक लोडिंग टाइम आ गया, जब आप सबमिट करते हो ऊपर लोडिंग होती है, ऊपर क्या होती है हमारे पास, लोडिंग होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, देख लूँ वेबसाइट का नेम क्या था, अच्छा जी। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये लारावल पे बेसिक बनाई हुई मैंने, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ इधर, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, सेव के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर देख रहे हो पेज लोड नहीं हुआ, डायरेक्ट ही उसने सेव कर दिया, यहाँ मैसेज शो कर दिया, शो कर दिया ना ये वाला मैसेज। अब ये हो कैसा रहा है, हालांकि यहाँ पर देख रहे हो लोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही, जब इसको फॉर्म बनाते हो आप लोग, सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो, पेज लोड होता है, लोड होने के बाद फिर यहाँ पर आता है, ऐसे ही है ना। या फिर अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, प्राइस कुछ भी मैंने लिख दिया स्टार्ट करके, सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर देख रहे हो पेज लोड नहीं हुआ, ठीक है, कहाँ पर आ गया वो, इधर आ गया, जो मैंने प्राइस यहाँ पर लिखी थी वो यहाँ पर आ गई, ये इधर आ गई, ये पेज नीचे यहाँ पर लगी हुई है, ये रही यहाँ पर है ना। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मैसेज हुआ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, डाटा अपडेट हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ का समझ में आ गया कि ये वर्क कैसे कर रहा है हमारे पास, जो ये चार्ट वगैरह है ये भी इस तरह वर्क कर रहा है, और जो पेज नीचे यहाँ पर देख रहे हो पेज लोड नहीं हो रहा हमारे पास, कहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, जहाँ पर डाटा ने लोड होना है, जहाँ पर डाटा ने हमारे पास लोड होना है, इसे कहते हैं हम लोग एजेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, एजेक्स कहते होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाऊं भी, एजेक्स कॉल इन जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर देखो इसको क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पर पेज लोड नहीं हुआ, डाटा चेंज हो गया, डाटा हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया, एजेक्स इसे कहते हैं। एजेक्स कॉल करने के हमारे पास जो है ना काफ़ी तरीके हैं वैसे, जैसे कि एक तरीका होता है XHR वाला, यानी कि ये वाला XML HTTP रिक्वेस्ट, XML HTTP रिक्वेस्ट, ये बहुत पुराना तरीका है, बड़ा मुश्किल तरीका है ये एज ए बिगनर लेवल, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास जो है जो सेकेंडरी का आता है जेक्वेरी का आता है कि जेक्वेरी आप लोग इस्तेमाल करो, और जेक्वेरी अभी आप लोगों को पता नहीं क्या है, ऐसे ही है ना? अभी किसी को पता है जेक्वेरी क्या होती है? जेक्वेरी हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो वो सारा एजेक्स फॉर्म में कर रहा होता है, जो डाटा टेबल बनता है ना हमारे पास, सारा एजेक्स ही है उसमें। देखो पे लोड नहीं होता, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे वो अंतरी हो जाएगा। खैर एजेक्स एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लाइंट के लिए। ऐसा क्यों है? अब जाहिर ही बात है, क्लाइंट कहता है मुझे एक एफिशिएंट वेबसाइट मिले, एक फास्ट वर्किंग वेबसाइट मिले। अब जाहिर ही बात है, आप उसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करते हो, बटन के ऊपर फिर सबमिट करते हो, वो लोडिंग का एक टाइम लेता है, ऐसा ही है ना? वो लोडिंग का एक टाइम ले रहा होता है। वो कहते हैं लोड लोड ना हो मेरे पास, जो मेरा पेज है ना वो लोड ना हो। जारी बात है, अगर लोड होकर वापस आएगा पेज तो सारी CSS क्या होगी? दोबारा लोड होगी। जावास्क्रिप्ट क्या होगी? दोबारा लोड होगी। मसला होगा ना यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ डाटा क्या हो, वहाँ पर रहे, जिस डाटा को मैंने चेंज करना से वही चेंज हो, बाकी सारे कॉन्स्टेंट रहे, बाकी सारे यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहे। तो उस टाइम पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एजेक्स। क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? एजेक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? एजेक्स करता क्या है? रहता है ब्राउजर में ही है। कहाँ रहता है वो? ब्राउजर में ही है। वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कहाँ भेजेगा डाटा? सर्वर में भेजेगा। और फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कहाँ पर आएगा? वो ब्राउजर में आएगा, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट सर्वर में नहीं आएगा। अब वो किसके थ्रू जाएगा सर्वर में? जावास्क्रिप्ट के थ्रू जाएगा, ठीक है ना? और जावास्क्रिप्ट वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज है? कौन सी लैंग्वेज है? क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है हमारे पास? ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ठीक है ना? अगर वो क्लाइंट साइड है, अगर आप लोगों ने देखा हो, जैसे कि आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाता हूँ, व्यू जेएस की जो वेबसाइट है, ये भी है जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है। अब यहाँ पर देख रहे हो, मैं इसके ऊपर प्ले ग्राउंड में नहीं, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, लोडिंग हुआ पेज यहाँ पर। वो देखो जरा, पेज तो लोड नहीं हो रहा ना हमारे पास, यहाँ पर पेज लोड नहीं हो रहा, लेकिन कॉन्टेंट चेंज हो रहा है हमारे पास। यहाँ पर बस कंटेंट चेंज हो रहा है, बाकी सब चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पर? कांस्टेंट है। बाकी सब चीज़ें यहाँ पर क्या हमारे पास? कांस्टेंट है। ये काम है किसका? जावास्क्रिप्ट का, ठीक हो गया। और इसी के बिना पर हम एजेक्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्लियर है? अच्छा जी, एजेक्स हम लोग कैसे इस्तेमाल कर चुके हैं एक मरतबा, किस वाले में? वेदर एपीआई के अंदर। किस में? वेदर एपीआई के अंदर, जिसमें हम लोगों ने इस्तेमाल किया था फैच, फैच एजेक्स जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, फैच में जो है ना हमारे पास दो पैरामीटर रहते हैं, एक होता है वहाँ पर रिसोर्सेज। मैं ऐसा करता हूँ, उसको डार्क मोड में ले आता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना? हमारे पास दो पैरामीटर, रिसोर्सेज और ऑप्शंस। रिजोर्स का मतलब क्या है? किस यूआरएल में आप लोग आ रहे हो। अगर आप लोग याद हो, जब हमारे पास एक एपीआई लिंक था, जब हमारे पास क्या था? सिर्फ एपीआई लिंक था, आप लोगों ने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया था, ऐसे ही था, ठीक है? अब उसको बताना है, फैच को क्या बताएंगे हम लोग कि आप लोगों ने इस लिंक में जाना है, लेकिन किस मैथड के थ्रू जाना, लेकिन किस मेथड के थ्रू जाना है? पोस्ट के जरिए आना है, पुट के जरिए आना है, डिलीट के जरिए आना है, या फिर आप कह सकते हो गेट के जरिए आना है। बाय डिफॉल्ट ये गेट के जरिए आता है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये गेट के जरिए जाता है। हम इसको बताते हैं कि भाई आपने गेट के थ्रू नहीं आना, अब आप लोगों ने आना है यहाँ पर पोस्ट के थ्रू। किसके थ्रू? पोस्ट के थ्रू। अच्छा जी, इस चीज़ को समझने के लिए ना हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, एक यू आर एल आ गया जेसन के नाम से, ठीक है? ये बाय डिफॉल्ट अभी किस में जा रहा है? गेट के थ्रू जा रहा है। किस में आ रहा है? ये गेट के थ्रू जा रहा है। उसके बाद क्या है? डॉट डन। डॉट डन का फंक्शन जो है ना, तब इस्तेमाल करते हैं जब पिछला कोई वर्क हो रहा हो, जब पिछला कोई वर्क हो रहा हो। जब मिसाल के तौर पर डाटा पहले यहाँ फैच हो गया, फैच होने के बाद देन, फैच होने के बाद देन ये होगा, देन ये होगा, ठीक है ना?
समझ में आ गया चीज का? अच्छा जी, ये वो चीज है गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट विद फेच। गेट रिक्वेस्ट में क्या था, डायरेक्ट यहाँ पे यूआरएल भेजे थे, वैसे ही है जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ मूवीज का, और हमने वेदर एपीआई में डायरेक्ट यहाँ पे यूआरएल भेजा था हमने, ठीक है ना, उसमें सारा का सारा डाटा हमें निकाल कर दे दिया था। अच्छा जी, गेट में सिंपल सा यही काम होता है, जबकि पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में हम यूआरएल भेजते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि आपने जो है ना डाटा कौन सी फॉर्मेट में भेजना है। यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है ना, दो पैरामीटर आते हैं ना हमारे पास, दो पैरामीटर कौन से होते हैं, एक ऑप्शंस का और एक रिसोर्सेज का। ऑप्शंस में हम लोग क्या लिखेंगे, मेथड पोस्ट। ऑप्शंस में हम लोगों ने क्या भेजा यहाँ पर, मेथड पोस्ट भेजा। हेडर वाला यहाँ पे क्या भेजेंगे, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ये उस सूरत में है जब आपके पास एक फाइल मौजूद हो जेसन टाइप की, जब आपके पास फाइल कौन सी मौजूद हो, जेसन टाइप की फाइल मौजूद होगी, देन आप लोगों ने ये भेजना है, अदरवाइज एक ऑप्शनल चीज़ है। अगर आप लोग डायरेक्ट फॉर्म से डाटा भेज रहे हो ना, कहाँ से भेज रहे हो, फॉर्म से डाटा भेज रहे हो, देन आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बताओगे जब मेथड पोस्ट होगा ना, उसमें बॉडी में डाटा क्या लिखना है, लेकर जाना आप लोगों ने अपडेट वाला, ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हो ये चीज़। खैर यहाँ तक तो बता दिया, ये सारा सारा वर्बली बताया, वर्बली में खतरा मज़ा नहीं आता करने में जितना हम खुद परफॉर्म करके करते होते हैं। मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊँगा जिसका नाम क्या होगा, होम डॉट पी एच पी। हेडर फुटर यहाँ पर इंक्लूड है हमारे पास, हेडर में जो है ना ऐसा करते हैं, अगर मैं इसे ट्राई करके देखूँ, मैं भी काम कर जाए, इसे कॉपी करूँगा पूरा का पूरा, होम पर आता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है। अब जो इसमें ज़्यादा डाटा लिखा है ना ये वाला, इन सब को क्या कर दूँगा मैं, यहाँ से रिमूव कर दूँगा मैं, यानी कि यहाँ तक ये रिमूव हो गया, इसमें से हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा का सारा क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। इतने हिस्से को मैं ऐसा करता हूँ, उसे कट करता हूँ मैं, और कहाँ पे लिखूँगा फिर मैं, हेडर में लिखूँगा, इधर लिख दिया, इधर नेम्स बने हमारे पास, और वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिए मैंने, ठीक है ना। अब कहाँ पर आऊँगा मैं, डाटाबेस में नहीं चाहिए, मैंने फुटर में चाहिए, होम पर आऊँगा, होम पर देखते हैं क्या मैं डॉलर होम इस वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता मैं। इसमें से ऐसा करते हैं, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करें, एसक्यूएल का, एसक्यूएल यहाँ पर लिखते हैं हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर लिखते हैं, अगर चल पड़ेगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, ठीक है ना। रिफ्रेश, ए बी सी विलेबल नहीं आना, हम लोगों ने कहाँ पर आना है, होम डॉट पी एच पी के अंदर आना है, हाँ जी। वो क्या कह रहा है अभी, अनडिफाइंड वेरिएबल होम ऑनलाइन नंबर 7, यानी कि हेडर डॉट पी एच पी के ज़रिए वहाँ पर वेरिएबल नहीं पहुँच रहा है, ओके कोई मसला नहीं। हम फिर क्या करेंगे, दोनों के यहाँ से कट करेंगे, और कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक हो गया। अब वो काम करेगा वेरिएबल, कंट्रोल आर, अच्छा जी सॉरी, यहाँ पर ओबीजी बनेगा हमारे पास, होम तो है नहीं हमारे पास, अच्छा जी एक मिनट से कट करता हूँ, यहाँ पर होता हूँ तो पेस्ट कर देता हूँ, चलेगा, हाँ चल रहा है वेरिएबल, चल रहा है, ठीक है। हेडर में हमने रख दिया सा करके, हेडर के बजाय यहाँ पर ले लेते हैं, ताकि ना आप डाटा कह रहे प्रोडक्ट के ड्राइव हर एक फाइल के लिहाज से। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या बनाना है, एक फॉर्म बनाना है, क्या बनाना है हम लोगों ने, यहाँ पर फॉर्म बनाना है बूटस्ट्रैप 5.3, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फॉर्म। ओवरव्यू में आते हैं इसके, हम
ठीक है, इसे यहाँ से कॉपी करूँगा मैं। कॉपी करने के बाद कहाँ पर आऊँगा मैं, फिर वीएस कोड के अंदर आ जाऊँगा मैं, उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा फिर मैं, ठीक है ना। अब जो है इसमें भी वहाँ वेरिएबल डॉट पीएचपी की ही फाइल बनेगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे राउट्स डिफाइन करेंगे। एक्शन मेथड क्या बनेगा, यहाँ पर पोस्ट बनेगा, और यहाँ पर जो है ना, अब एक्शन के बजाय जो है ना, इधर में ये जो एक्शन बना है यहाँ पर, इसके बजाय मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा मैं। अब एक्शन है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। अब यहाँ पर लिखूँगा खाली मैं आईडी, क्या लिखूँगा, और मैं आईडी लिखूँगा, मैं कहता हूँ भाई इंसर्ट फॉर्म, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, इंसर्ट फॉर्म लिखा मैंने। मैथड क्या होगा इसका, बस पोस्ट होगा। यहाँ पर लिखते हैं नेम, नेम में से हम लोगों ने क्या लिखना है, ईमेल, और यहाँ पर पासवर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक और लिख देते हैं, वहाँ पर ईमेल है, यूज़र नेम भी है ना हमारे पास, यूज़र नेम, और टाइप टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, और नेम की जगह क्या आ जाएगा फिर, यूज़र अंडरस्कोर नेम आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर पासवर्ड है नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ PSW लिख देते हैं इसको, ठीक है। और टाइप सबमिट, ठीक है, इसको सही रख देते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ फॉर्म बन गया पूरा का पूरा, ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड। इधर ही मैं इसका डाटाबेस ओपन कर लेता हूँ, मैं इसकी डाटाबेस ने हमारा PHP वाला ना, PHP ग्रेड, यूजर्स स्ट्रक्चर में आते हैं हम लोग इसको। एक मरतबा क्या करूँगा मैं, इसको मोर पे क्लिक करता हूँ, इसका ऑपरेशन में आता हूँ मैं, और क्या करूँगा मैं, इसको एम्प्टी कर देता हूँ, ट्रंकेट कर दूंगा मैं इसको, ठीक है ना। ओके, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, सारा का सारा टेबल क्या हो गया यहाँ पर, खाली हो गया, ठीक है ना। ऑपरेशन में आते हैं इसके, और जो इसका ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, वन पर हो गया ऑटोमेटिकली। यूज़र नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, और पासवर्ड भी यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है हम लोगों ने, हमारे पास जो एक्शन नाम का फोल्डर बना है, कौन सा फोल्डर, एक्शन नाम के फोल्डर में आऊँगा, यहाँ पर फाइल कौन सी बनेगी, यहाँ पर फॉर्म अंडरस्कोर एक्शन डॉट PHP, ठीक है ना। उसमें क्या करेंगे हम लोग, इस चीज़ को कॉपी करूँगा मैं, ठीक है, ऐसा करते हैं यहाँ पर अपना फ्रंट एंड फाइल, हमारे पास ना आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं फ्रंट एंड और बैक एंड को अलग अलग करने लगूँ, फ्रंट एंड और बैक एंड को मैं अलहदा अलहदा करने लगा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, ऐसे भी काम कर सकते हैं, लिख देते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पर ना, इसको इन चीज़ों पर लिख देते हैं, मसला नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी तो बनी हुई ना हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पर कौन सी फाइल आएगी, हेडर वाली फाइल आएगी, यानी कि आप ना हेडर वाली फाइल नहीं बन सकते, ये लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम रिक्वायर वंस, ठीक है ना। ये डेटाबेस फाइल कहाँ मौजूद है, DIR नेम, डायरेक्टरी नेम, उसके ऊपर कहाँ पर आएगा, वो DIR में आएगा, कहाँ पर आएगा, वो DIR में आएगा। फिर कॉन्कैटिनेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, कौन सा फोल्डर, ऐप का फोल्डर, और फिर डेटाबेस डॉट PHP। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मल्टीपल अंडरस्कोर है, यहाँ पर मूव करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो ना, मैं इसमें हेडर इंक्लूड किया है, और ना ही मैंने यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ इंक्लूड की है मैंने, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ना, करना क्या है, करना कुछ यूँ है, हेल्प वाला भी बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस का बना हुआ है। यहाँ पर ऐसा करता हूँ, वेरिएबल नेम भी क्या लिख देता हूँ, DB लिख देता हूँ, वेरिएबल नेम का लिखा है मैंने यहाँ पर, DB लिख दो, या फिर इसको लिंक लिख दो, ठीक है। अब जो है होगा क्या, होम पर आऊँगा मैं, होम पर हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट लिखूँगा फुटर के बाद, या फिर ऐसा करता हूँ कि एक प्रॉपर काम के लिए इंक्लूड में आऊँगा, यहाँ पे एक फाइल लिखूँगा स्क्रिप्ट डॉट js, या फिर
या PHP लिख लो, ऐसा करते हैं हम, स्क्रिप्ट डॉट PHP लिखेंगे, होम पर आएंगे और फुटर से पहले, फुटर में जाऊंगा मैं, कहाँ पर आऊंगा मैं, फुटर में आऊंगा, फुटर में इधर, किधर, इधर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, फिर रिक्वायर वंस, कौन सी फाइल, फुटर, सॉरी फुटर नहीं, यानी कि लिखूंगा मैं डायरेक्टरी नेम। डायरेक्टरी नेम में से हमारे पास कहाँ पर है वो, DIR में आए, उसके बाद कहाँ पर आए वो हमारे पास इंक्लूड में, इंक्लूड से क्या निकाल के था मुझे वो स्क्रिप्ट डॉट PHP, ठीक है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा मैं जहाँ मर्जी, जौन से मर्जी स्क्रिप्ट होगी मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ठीक है ना। कहाँ पर, होम पे तो है, होम पर मौजूद है, ठीक है ना। अब जो है ना करना क्या है, मैं स्क्रिप्ट पर आऊँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, स्क्रिप्ट टैग लिखूँगा मैं, क्या लिखूँगा मैं, स्क्रिप्ट टैग लिखा। अब यहाँ पर मैंने काम करना फंक्शन बेस, किस तरह काम करना है मैंने, फंक्शन बेस, फंक्शन वहाँ पर मौजूद होंगे लेकिन कॉल कब होंगे, कॉल हमारे पास तब होंगे जब मैं उसको किसी भी फंक्शन, किसी भी फाइल के अंदर बुलाऊँगा या फिर किसी बटन के ऊपर क्लिक करने पर उसे कॉल करूँगा मैं, ठीक है ना। फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर फॉर्म सबमिट के नाम से, किस नाम से, फॉर्म सबमिट के नाम से फंक्शन बनाया। अब इसमें मुझे दो चीज़ चाहिए, दो से या फिर एक चीज़ चाहिए होगी, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, वो है फॉर्म की आईडी, क्या है हमारे पास, फॉर्म आईडी, और यहाँ पर लिखता हूँ बटन आईडी, बटन आईडी, दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, कौन कौन सी, फॉर्म आईडी और बटन आईडी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, लेट बटन इक्वल टू, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, जावास्क्रिप्ट दिन आ गया हमारे, बटन आईडी, ठीक है ना। अब बटन आईडी यहाँ पर देखो ज़रा, जब भी इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करूँगा ना, मैं इधर कॉल करूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा फिर मैं, स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, और जो हमारे पास मौजूद है, कहाँ मौजूद है फंक्शन, फुटर के बाद मौजूद है ना हमारे पास, जो फाइल मौजूद है कहाँ मौजूद है, फुटर के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो फंक्शन है स्टेप कॉल करूँगा मैं, कहाँ पर कॉल करूँगा मैं, फुटर के बाद कॉल करूँगा मैं। यहाँ पर लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग और फिर फॉर्म सबमिट, फंक्शन का नेम आ गया। फर्स्ट हमारे पास क्या था, फॉर्म आईडी थी, फर्स्ट हमारे पास क्या थी, इंसर्ट फॉर्म, इसे कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पर हैशटैग इंसर्ट फॉर्म आईडी यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड पैरामीटर कौन सा था, सेकेंड पैरामीटर यहाँ पर आईडी थी इसकी, मैं यहाँ पर लिखूँगा आईडी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बटन इंसर्ट, बटन इंसर्ट बनाया, तो कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पर आया और फिर हैशटैग दिस वन। मैं यहाँ पर आता हूँ, चेक करता हूँ क्या वाकई में हमारे पास ये आता भी है, नहीं आता, कंसोल डॉट लॉग, सबसे पहले चेक करते हैं फॉर्म आईडी यहाँ पर आ रही है कि नहीं आ रही, सेव करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर आया, इधर नहीं, इधर आते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं हम लोग, F12 दबाते हैं, ये आ गया आईडी यहाँ पर आ गई मौजूद, ये देखो ज़रा, हैशटैग इंसर्ट फॉर्म, मैंने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल करके मैंने दो चीज़ें भेजी यहाँ पर, कौन सी, इंसर्ट फॉर्म और बटन इंसर्ट। अच्छा ठीक है, अगर बटन आईडी यहाँ पर लिखी हुई है तो यानी कि बटन हमारे पास सेलेक्ट हो चुका होगा, हो चुका होगा ना, यहाँ पर बटन आ गया हो रहा, अगर यहाँ पर जाऊँ इसके ऊपर क्लिक करूँ, इस तरह करके इसको ना ऐसा करता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ, इस तरह कर लेते हैं हम लोग, ये लिखे ना बटन और फिर बटन इंसर्ट डॉट बटन, बटन प्राइमरी, हमारे पास बटन मौजूद है उसके ऊपर आईडी कौन से मौजूद है, बटन इंसर्ट है, उसमें क्लास कुछ लगी हुई डॉट बटन और बटन प्राइमरी। अच्छा जी, इसमें से जो है हमारे पास
ठीक है, इसमें हमें कुछ जरूरत नहीं है। ये बता भी रहा है कि किसका बटन है, देख रहे फॉर्म इंसर्ट का बटन है, ये किसका बटन है, ये फॉर्म इंसर्ट का बटन है। फॉर्म एक्शन भी बताया, फॉर्म एक्शन क्या है इसका, ठीक है हमें इसमें से कुछ ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये मैंने बटन इसलिए सेलेक्ट किया ताकि ताकि मुझे मालूम हो सके कि फॉर्म कौन सा है और क्या काम कर रहे हैं हम, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट दोबारा से रिन्यू हो रही है यहाँ पर, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी उनको अब तक यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं हो रही होगी, ऐसा ही है कि नहीं। अब जो है ना करना क्या है, मैं यहाँ पर जो है ना फॉर्म मैं सबसे पहले चेक करूँगा फॉर्म आईडी यहाँ पर आ रही है ना, मैं आप लिखता हूँ लेट फॉर्म इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पर फिर क्या आएगा फॉर्म आईडी आएगी। मैंने किसका सेलेक्टर बनाया यहाँ पर, फॉर्म का भी बना लिया और बटन का भी बना लिया मैंने, ठीक है ना। ऐसा करते हो सबमिट बटन लगे तो मैं ताकि जो है ना सबमिट बटन लगे था मैं इसको, हमारे पास सबमिट बटन का भी बन गया और फिर फॉर्म का भी बन गया। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब भी वो बटन क्या करे, सबमिट करे, क्या करे वो सबमिट करे, देन मेरे पास सारा का सारा कौन सा डाटा आ जाए, फॉर्म का डाटा आ जाए, कौन सा डाटा आ जाए हमारे पास, फॉर्म का डाटा आ जाए। सिंपल सा काम है, मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन है ना ये वाला, सबमिट बटन का जो वेरिएबल है उसमें लिखूँगा डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है ना। एक बार स्पेलिंग में चेक कर लूँ कि ठीक है कि नहीं, इवेंट लिस्नर जावास्क्रिप्ट, कॉपी करता हूँ मैं, इधर आता हूँ, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास क्या लिखूँगा मैं उसको बताऊँगा कि जब भी वो फॉर्म क्या करेगा, सबमिट करेगा, क्या करेगा वो सबमिट करेगा, जब भी बटन क्या होगा सबमिट होगा तो फंक्शन हमारे पास ट्रिगर होगा, क्या होगा हमारे पास फंक्शन, क्या होगा हमारे पास ट्रिगर होगा, जिसमें फॉर्म का सेलेक्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और जो ये बटन है ना हमारे पास, ये वाला बटन ई डॉट, मैं आप लिख दूंगा ई, यहाँ पर लिख देते इवेंट लिख देते हैं हम लोग इसको, क्या लिखेंगे हम इसको इवेंट लिख देते हैं। मैं यहाँ पर से कह दूंगा जब भी इस फॉर्म के ऊपर क्या करेगा, सबमिट करेगा, या फिर ऐसा करते हैं हम इसको फॉर्म के ऊपर क्लिक के ऊपर लगाते हैं इसको, कि जब भी बटन के ऊपर क्या करेगा वो क्लिक करेगा इस बटन के ऊपर, देन क्या होगा कि मैं सबसे पहले इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है हमारे पास, किसी को पता है, ये हम लोग कर चुके हैं पहले सारा काम, ये वाला इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, क्या करता है भाई साहब, मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे मैंने यहाँ पर, प्रिवेंट डिफॉल्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसा करता हूँ, उसको ऐसा करके लिखता हूँ मैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, मैं इधर आता हूँ, इधर आ गया, रिफ्रेश करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट हो रहा है यहाँ पर अभी, ऊपर देख रहे हो पेज लोड हो रहा है यहाँ पर, अभी पेज लोड हो रहा है ना यहाँ पर, यानी कि फॉर्म क्या हो रहा है यहाँ पर, सबमिट हो रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ से बचने के लिए ना कि फॉर्म लोड ना हो, मैं क्या करूँगा, मैं प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दूँगा उसको मैं। अब कुछ हो रहा है यहाँ पर सबमिट पर, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कहा भाई जोन सा इस बटन के ऊपर एक्शन लगा हुआ है, चाहे वो बटन क्यों ना बनाओ या फिर वो सबमिट क्यों ना हो रहा, मैंने उसको वहाँ पे रोक दिया, मैंने कहा भाई आप छोड़ दो काम, मैंने आपसे नहीं करना, आप रुक जाओ यहाँ पर, प्रिवेंट डिफॉल्ट ये होता है अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है ना। जब भी हम कोई सा भी इवेंट हो उस बटन के ऊपर या फिर किसी के ऊपर भी प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा हुआ हो, हम क्या करते हैं, अगर उसके इवेंट को रोकना चाहें, उसके इवेंट को रोकना चाहे तो क्या लिखेंगे आप, हम लोग प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर, जो फॉर्म था उसका सेलेक्टर यहाँ पर कॉल कर दिया,
सो सेलेक्टर यहाँ पर हमने कॉल कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर फॉर्म। चेक करते हैं इसके ऊपर क्लिक किया पूरा फॉर्म टैग आ गया यहाँ पर हमारे पास, आ गया ना। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट के अंदर ना हमारे पास एक बहुत मज़े की चीज़ है, वो एक है फॉर्म डाटा नाम से। किस नाम से? फॉर्म डाटा के नाम से जो है ना एक ऑब्जेक्ट होता है जो हम ज़्यादातर जो है ना इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, नहीं बताया मैं उसको इस्तेमाल करने का। हाँ जी, यहाँ पर देख रहे हो न्यू फॉर्म डाटा हमारे पास क्या एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का। और ये करता क्या, ये हमारे पास जो है ना जो फॉर्म की वैल्यूज होती है ना उन्हें निकालने में मदद देता है, उन्हें निकालने में मदद देता है। जैसे कि यहाँ पर देखो वेरिएबल बना हुआ, ठीक है, उसके बाद लिखा डॉट अपेंड यूजर नेम क्रिस, यानी कि उसने क्या कहा, ये वहाँ पे इनपुट टैग के अंदर मौजूद नहीं है, ये हमारे पास इनपुट टैग के अंदर मौजूद नहीं है। उसने खुद ही से एक फॉर्म डाटा के फॉर्मेट में की नेम लिखा, उस की के अंदर क्या सेव कर दिया, ये सेव कर दिया, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर देख रहे हो फॉर्म ये बना हुआ है, आईडी बनी हुई इसके बाद फॉर्म नाम की। अब जो सा मैं डाटा यहाँ पे लिखूंगा और बटन के ऊपर क्लिक करूँगा वो कहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, इधर प्रिंट होना चाहिए। इसने क्या किया, फॉर्म का सेलेक्टर बनाया, फॉर्म का सेलेक्टर बनाने के बाद क्या किया, न्यू फॉर्म, फॉर्म और सबमिटर, फॉर्म और सबमिटर, ये एक शॉर्टकट तरीका है वैसे जिसमें आप हम लोग पहले ऐसा कर रहे हैं ना कि बटन के ऊपर क्लिक करने पर इवेंट डिफॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट तरीका क्या होता है, कौन सा फॉर्म का डाटा निकालना है, ठीक है ना, और किसके ऊपर निकालना, किस बटन के थ्रू निकालना, इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, उसके बाद क्या करेगा, इस फॉर्म का डाटा खुद ही निकालेगा ये फंक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेगा, डाटा यहाँ पर सेव हो गया वेरिएबल के अंदर, ये वाले इस वेरिएबल के ऊपर क्या लगाएगा, फॉर लूप लगा देगा। क्या लगा देगा यहाँ पर, फॉर लूप लगा देगा। फॉर लूप में देख रहे हो हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, की और वैल्यू, जो सा इस डाटा में से क्या निकालेगा, उसकी कीज निकालेगा और उसकी वैल्यूज निकाल के यहाँ प्रिंट कर देगा। तो डाटा हम यहाँ पे देख रहे हैं वही चीज़ आ गई है सर, ठीक है ना। अब जो है ना करना क्या, मैं यहाँ पर होम पर आऊँगा, होम पे हमारे पास यूजर नेम भी आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है, पासवर्ड भी आ रहा है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक हिडन फील्ड बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा पर, मैं इनपुट टैग, इनपुट टैग टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं इसकी, इंसर्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिखी, इंसर्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम के अंदर इसका आप कह सकते हो मेथड, नेम मैंने लिखा मेथड और वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी मैंने, इंसर्ट। अच्छा जी, अब जो है ना करना क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट फॉर्म वैल्यू, फॉर्म वैल्यू इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा, न्यू फॉर्म डाटा। और न्यू फॉर्म डाटा को मैंने क्या बताया कि आपने कहाँ से वैल्यू निकालनी है, ये वाले सिलेक्टर में से, ये वाले सिलेक्टर में से आपने इसकी वैल्यूज निकालनी है और कहाँ पे सेव कर देनी है, फॉर्म वैल्यूज के अंदर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखूँ, क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर लिखूँ और यहाँ पर इस्तेमाल करूँ सेपरेट ऑपरेटर, सेपरेट ऑपरेटर में से मैं क्या करूँ, फॉर्म वैल्यूज डॉट एंट्रीज, फॉर्म वैल्यूज डॉट एंट्रीज, मैंने इसे कहा कि इसका ऑब्जेक्ट निकालो, उसकी कॉपी बना के इस अरे के अंदर सेव कर दो। याद है हम लोगों ने किया था वाला मैथड सेपरेट ऑपरेटर वाला कि नहीं। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पर भी ये लिख देते हैं हम लोग सबमिट करते हैं, अरे बने हैं यहाँ पर मैथड इंसर्ट ईमेल, ये आ गया यूजर नेम, ये आ गया पासवर्ड, ये आ गया लेंथ, क्या क्या लिखी हुई है यहाँ पर, लेंथ फोर लिखी हुई है। अच्छा जी, डाटा फॉर्म से आ गए यहाँ पर, यहाँ पर देख रहे हो दस्ती काम हो रहा है इसके अंदर, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया सबमिट के ऊपर, डाटा यहाँ पर फ़ौरन लिखा आ गया, पेज रिफ्रेश भी नहीं हुआ, पेज हमारे पास रिफ्रेश भी नहीं हुआ, उसे डायरेक्ट यहाँ पर मुझे
शो कर दिया और बता भी रहा है कौन सी फाइल है यहाँ पर, होम डॉट पी एच पी फाइल। अब जो है ना हम लोगों ने करना क्या, डाटा आ गया, डाटा कहाँ पे सेव है, फॉर्म वैल्यूज कहाँ सेव है, उसके यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ मैं, और यहाँ कर देता हूँ अभी टू टेस्ट या फिर टू चेक वैल्यू इफ एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है ना। अब जो है ना यहाँ पे मैं लिखूंगा एजेक्स मेथड, कौन सा मेथड, एजेक्स वाला। एजेक्स के लिए ना सबमिट फॉर्म है ना ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कहते हैं फॉर्म सबमिट है ना, फॉर्म एजेक्स लिख देते हैं यहाँ पर, फॉर्म एजेक्स सबमिट, फंक्शन नेम क्या लिखा मैंने यहाँ पर, फॉर्म एजेक्स सबमिट, यहाँ पर आऊँगा मैं और यहाँ पर फंक्शन नेम क्या हो जाएगा फिर, फॉर्म एजेक्स सबमिट। स्क्रिप्ट डॉट पी एच पी के अंदर आते हैं फिर हम, अब यहाँ पर जो है मैं लिखूँगा लेट रिस्पॉन्स, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, रिस्पॉन्स इक्वल टू क्या लिखेंगे इसके पर हम लोग, अवेट, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, अवेट लिखेंगे। क्या पर ऐसा करता हूँ मैं इसी के अंदर जो है ना आप लोगों की आसानी के लिए, वरना मैं इसको बाहर इसको एसिंग लिखता फिर यहाँ पर लिखता मैं अवेट, लेकिन आप हम लोगों ने अभी ऐसे काम नहीं किया, हम लोगों ने कैसे काम किया हुआ, ऐसे काम किया हुआ, ठीक है ना। एरो फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पर, इससे पहले क्या लिखूंगा मैं, एसिंक लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं इसका, एसिंक, ठीक हो गया। एक अनोनिमस फंक्शन बनाया मैंने इसी फंक्शन के अंदर ही, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर ही कॉल कर दूंगा मैं इधर। इस फंक्शन में क्या होगा, लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अवेट, क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, अवेट और फिर फैच, एफ ए टी फैच फंक्शन आ गया। अब फर्स्ट फंक्शन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी, एक आएगा हमारे पास यू आर एल, किस यू आर एल में आप लोगों ने जाना है, किस यू आर एल में आप लोगों ने जाना है, और सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या आएगी, सेकेंड चीज़ हमारे पास होगी ऑप्शंस, सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या होगी, ऑप्शंस होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यू आर एल के ऊपर, किसके ऊपर, यू आर एल इक्वल टू हमारे पास अभी हम कहाँ मौजूद हैं, स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है, कहाँ मौजूद है हम लोग, स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है। यू आर एल जारी बनता है एच टी टी पी एस से बनता है, कहाँ से बनता है हमारे पास, एच टी टी पी एस से बनता है। अच्छा जी ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं डायरेक्ट अभी ना ऐसा यहाँ पर जो है ना इसको ऐसा करते हैं आप लोग कहते हैं इससे बाहर निकला मैं यहाँ से बाहर आया, स्क्रिप्ट फाइल से बाहर आ गया मैं, यानी कि मैं इधर मौजूद हूँ अभी स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ से बाहर आ गया, उसके बाद क्या जाना हम लोगों ने, एक्शन में आना और फिर फॉर्म एक्शन में आना, एक्शन फोल्डर के अंदर आ गया और फिर फॉर्म अंडरस्कोर एक्शन डॉट पी एच पी के अंदर आना हम लोगों ने, ठीक हो गया। और सेकंड पैरामीटर हमारे पास क्या है, ऑप्शन है, क्या है हमारे पास, ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट पास होगा, क्या पास होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट पास होगा जिसमें हम लोग बताएंगे मेथड, फर्स्ट की का नेम क्या होगा हमारे पास, मेथड होगा जो कि हमारे पास क्या है, पोस्ट है। सेकेंड हमारे पास क्या होगा, बॉडी, क्या होगा हमारे पास, बॉडी होगा जो कि हमारे पास क्या है, फॉर्म वैल्यूज, क्या है हमारे पास, फॉर्म वैल्यूज है। अच्छा जी अब जो है ऑप्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट यहाँ पास हो गया और यू आर एल यहाँ पास हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर, लेट डाटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अवेट। अब जो सा इस यू आर एल में से रिस्पॉन्स आएगा उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यही था ना हमारे पास, यहाँ पर मैंने फेच फंक्शन कॉल किया जिससे हमारे पास रिस्पॉन्स आता है वो कहाँ पर सेव होता है, इस वेरिएबल में। उसके बाद मैंने यहाँ पर अवेट लिखे क्या लिखा है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, उसके बाद यहाँ पर लिखते कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग डाटा, ठीक है ना। सेव करते हैं, अब इस फाइल के अंदर आता हूँ मैं, अभी इस फाइल के अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, इस फाइल के अंदर भी हमारे पास कुछ भी
रिटर्न नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक्को जेसन एनकोड, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? जेसन एनकोड, इसमें वहाँ पर एक आती है अरे आती है, क्या आती है यहाँ पर हमारे पास? अरे आती है। मैं कहता हूँ यहाँ पर ओके, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? ओके लिखा। सेव करता हूँ मैं, इधर आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, सबमिट करते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है? इंटरमीडिएट वैल्यूज फंक्शन, ओके इधर आ रहा है मसला। इट्स नॉट अ फंक्शन, इंटरमीडिएट वैल्यू इज नॉट अ फंक्शन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या मसला है? यहाँ पर देखो मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसको नहीं लिखा मैंने, कंट्रोल एफ फाइव, सबमिट। अभी भी आ रहा जरा इंटरमीडिएट वैल्यूज, ये नहीं आवे कर रहा है। ऐसे कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ पे के पेस्ट करते हैं हम लोग। इट्स नॉट अ फंक्शन, यस क्या कहते हो आप लोग? अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे एक वेरिएबल लिखूंगा मैं, कौन सा वाला? फॉर्म वैल्यू के नाम से। यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं आप फंक्शन में को वेरिएबल नहीं भेज रहे आप, ठीक है ना? या फिर ऐसा करते हैं, इसको वेरिएबल के बजाय ना, वो कह रहा है एरो ऑपरेटर के बजाय लिखो यहाँ फंक्शन। क्या लिखो यहाँ पर आप लोग? फंक्शन लिखो। अब यहाँ टेस्ट करते हैं चीज़ को, रिफ्रेश करते हैं, सबमिट करते हैं। अब एरर आ रहा है, हाँ जी एरर आ रहा है। अगर यहाँ पर वेरिएबल लिखो मैं डॉलर ए के नाम से, और जो ये वाला वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा फिर? कट करके डॉलर ये हो जाएगा, डॉलर ए नहीं खाली ये हो जाएगा, पी एच पी थोड़ा ना ही है। और फिर इसका जो पैरामीटर होगा यहाँ से रहेगा, ये कोड आया हमारे पे लिखा हुआ, हाँ जी ये है। सबमिट करते हैं, भी आ रहा है। इंटरमीडिएट वैल्यू इज नॉट अ फंक्शन, ओके। उसके बाद क्या रहा हुआ? ठीक, इसका इशू नहीं आने के। अच्छा जी, और क्या तरीका बता रहा वो? ये फंक्शन बना हमारे पास, ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन बन गया हमारे पास। अगर मैं क्या करूँ, इसका एक लता फंक्शन बना दूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसे को कट करूँगा मैं, कट करने के बाद यहाँ तक कट हो जाएगा फिर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं इस फंक्शन से बाहर आ गया, यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा मैं, और यहाँ पर फंक्शन नेम क्या लिखूँगा मैं? एजेक्स, जिसमें यहाँ पर एक वेरिएबल आएगा, वेरिएबल यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्म वैल्यू। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? फॉर्म वैल्यू, इसको यहाँ से मैं इधर लिख दूँगा मैं, ठीक है। और फंक्शन के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा फिर? एसिंक आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को ऐसे कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पर लिखूँगा मैं, इसमें यहाँ पर कौन सा पैरामीटर आएगा? ये वाला पैरामीटर आएगा, ठीक है ना? ये पैरामीटर यहाँ से गया, उसके बाद इधर आया, डाटा यहाँ पर आ गया, और फिर यहाँ चला गया। रिफ्रेश करते हैं, सबमिट करते हैं। अब एरर आ रहा है कुछ, क्या कह रहा है वो एरर में? 404 नॉट फाउंड, हमारे पास कहाँ पर आया वो? इधर आ गया ना। अब देख रहे हो एजेक्स कॉल हो गया हमारे पास, हमारे पास जो है ना, मैं नेटवर्क में आऊँगा कंट्रोल, और यहाँ पर देख लिखा आ गया स्टेटस 404। क्या लिखा है यहाँ पर? स्टेटस 404। हमारे पास यू आर एल क्या बन रहा है यहाँ पर? सर्वर साइट होम डॉट पी एच पी के अंदर, उसके बाद फॉर्म एक्शन के अंदर आ गए। अब मसला आ रहा है कहाँ पर? यू आर एल में मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है? यू आर एल का तो मसला आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर मैं इसको स्टा करके लिख दूँ मैं, अब मसला आएगा, सबमिट करते हैं। वो क्या कह रहा है? सिंटैक्स एरर,
तो ठीक है, नोट फाउंड, एक्शन फोल्डर, ओके। यानी कि हम तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सर्वर साइड प्रोजेक्ट, जहाँ पर ये वाला यूआरएल है ना, इस हिसाब से हमने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आके एक मतलब रिफ्रेश करते हैं, अब सबमिट करते हैं, यहाँ पर आ गया, ओके ठीक है ना। अब जो अपना हुआ क्या, मैंने यहाँ पर किया गया, वो जो यहाँ पर एरर था ना इंटरमीडिएट फंक्शन वाला, वो कह रहा है भाई आप फंक्शन के अंदर जो कॉल कर रहे हो ना एसिंक फंक्शन, तो जो उसकी वैल्यूज थी ना वो आपस में कोलैप्स कर रही है। क्या कर रही है वहाँ पर, कोलैप्स कर रही है। फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करने का एक तरीका होता है, उससे हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। पहले फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद फिर सेकंड फंक्शन। उसमें हो क्या रहा था, जब मैंने लिखा था जब फंक्शन कॉल किया वो डायरेक्टली दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा है, वो डायरेक्टली दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा है, जिसकी वजह से वो एरर कौन सा आ गया था, इंटरमीडिएट वैल्यूज वाला। मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, यहाँ पर एक एग्जैक्ट नाम का फंक्शन बना लिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जा रही है यहाँ पर, वैल्यूज जा रही हैं। क्या जा रही है यहाँ पर, वैल्यूज जा रही हैं फॉर्म की वैल्यूज। उसके बाद यूआरएल ये लिखा हम लोगों ने, और फिर ऑप्शन का लिखा मेथड पोस्ट, बॉडी में का लिखा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फॉर्म वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज। फिर मैंने इन दोनों को कंबाइन करके किसका भेज दिया, फैच का भेज दिया। जो यूआरएल था वो यहाँ पर आ गया, और जो ऑप्शन था वो ये वाली यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया। डाटा जो था फॉर्म का वो कहाँ पर गया, वो इधर आया, इधर मैंने अभी कॉल नहीं किया, कौन सा वाला मेथड, पोस्ट वाला मेथड। मैं डायरेक्टली टेस्टिंग के तौर पे यहाँ पे एको कर दिया जेसन अनकोड अरे के अंदर, ओके अरे के अंदर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ओके लिख दिया। जब मैंने इसको एको कर दिया यानी कि रिटर्न हुआ, इस फाइल ने मुझे कुछ रिटर्न किया, रिटर्न में मेरे पास क्या आया, जो भी है कहाँ पर सेव हो जाएगा, रिस्पॉन्स में सेव हो जाएगा। मैंने उसके बाद क्या कर दिया, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने उसको, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद किस में सेव कर दिया मैंने, डाटा में कन्वर्ट कर दिया। और फिर उसी को क्या कर दिया मैंने, कंसोल डॉट लॉग डाटा, यही हुआ यहाँ पर, सबमिट किया, यहाँ पर आ गया, क्लियर हो गया चीज़ का, समझ में आ गया। अब जो है ना, जो ये वाला यू आर एल वेरिएबल है, जो डाटा है ना, इसको यहाँ से कट करूँगा मैं, इधर एक पैरामीटर लिखूँगा मैं, किस नाम से, यू आर एल, या फिर फाइल अंडरस्कोर यू आर एल। इसको मैं किस में सेव कर दूँगा, इधर सेव कर दूँगा, फाइल अंडरस्कोर यू आर एल। इधर भी यहाँ पे एक यू आर एल आएगा, यू आर एल, इसको मैंने कहाँ भेजना है, इधर भेजना है सेकेंड टकर पर, यू आर एल। अब इस फंक्शन के बाद यू आर एल कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। इसका थर्ड पैरामीटर कौन सा होगा, यू आर एल का होगा, ये वाला। ज़ाहिर ही पता है हर एक फाइल का, हर एक फॉर्म के लिए ऐसे यू आर एल चेंज होगा, ऐसे ही है ना। मैंने यहाँ पर फॉर्म की आई डी भेजी, और क्या भेजा यहाँ पर मैंने, बटन भेजा, और थर्ड पैरामीटर यहाँ पर क्या आ गया, यू आर एल। ये यू आर एल कौन सा होगा, हमारे पास वो वाला यू आर एल होगा जहाँ पर आप लोगों ने डाटा भेजना है फॉर्म का। यहाँ पर देख रहे हो वही चीज़ है ना, यहाँ पर फॉर्म एक्शन के अंदर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इधर आया, फॉर्म आईडी भी आ गई, बटन आईडी भी आ गई, और यूआरएल भी आ गया। बटन के ऊपर मैंने सेलेक्टर बनाया, सबसे पहले हमारे पे यहाँ पर क्या आ गया, बटन सेलेक्टर आ गया। बटन सेलेक्टर के बाद मैंने कहा जब बटन के ऊपर क्लिक करें तो उसके इवेंट को क्या करते हैं यहाँ पर, स्टॉप करते हैं। हमने यहाँ पर बटन का इवेंट स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद यहाँ पर किसका सेलेक्टर बना, फॉर्म का। किसका सेलेक्टर बन गया हमारे पास, फॉर्म का सेलेक्टर बन गया। और फिर हमने यहाँ पर फॉर्म की गेट वैल्यूज ऑफ फॉर्म, ठीक है। अब इस फॉर्म वैल्यूज को हमने कहाँ भेजा, एजेक्स फंक्शन में भेजा। कहाँ भेजा हम लोगों ने, एजेक्स फंक्शन में भेजा। और साथ साथ हम लोगों ने क्या भेजा यहाँ पर, यूआरएल भेज दिया। अब यहाँ पर आ गए हम लोग, ये फंक्शन कौन सा बना है यहाँ पर, एसिंक बना हुआ है, जिसमें हमारे फॉर्म वैल्यूज आ रही हैं, और हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, फाइल यू आर एल आ रहा है। हमने इसको किस में सेव कर दिया, यू आर एल में सेव कर दिया। और हमने यहाँ पर सेकंड चीज़ यहाँ पर क्या लिखी, ऑप्शन लिखी हमने, ये हमारे पास क्या है, फैच
ऑप्शंस। फेच ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें हम लोगों ने क्या बताया मेथड पोस्ट और बॉडी में लिखा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फॉर्म वैल्यूज के। जो हमारे पास जो फॉर्म डाटा आ रहा है ना उसको किस में कन्वर्ट करना है, जेसन में तो रहा है लेकिन कौन से फॉर्मेट के अंदर, स्ट्रिंगिफाई के अंदर। किसके अंदर, स्ट्रिंगिफाई के अंदर। उसके बाद ये दो चीजें हमने कहाँ भेज दी, फैच के जरिए इस यूआरएल के अंदर भेज दी, फैच के जरिए इस यूआरएल के अंदर भेज दी। उसके बाद हम लोग कहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए। जो जो यूआरएल था ना वो बेसिकली इस फाइल का यूआरएल था। हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर जो था मैंने लिखा एको जेसन अनकोड। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एको जेसन अनकोड। उसमें जो है हम लोगों ने क्या भेजा अरे के अंदर, ओके भेज दी। यहाँ पर अरे ही आएगी, मैं बता दूँ तो एसोसिएट पर ही आएगी या फिर इंडेक्स पर ही आएगी, ठीक हो गया। हमने यहाँ पर एको कर दिया जेसन अनकोड, ओके। रिस्पॉन्स कहाँ पर आके सेव हो गया, यहाँ पर आके सेव हो गया। उसके बाद मैंने उस अरे को किस में कन्वर्ट कर दिया, जेसन में। जेसन में कन्वर्ट करने के बाद कहाँ पर सेव कर दिया, डाटा में, और फिर कंसोल डॉट लॉग डाटा सेव कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेंस करेंगे, सबमिट करेंगे, ये होगी। क्लियर हो गया सारा फ्लो कि फ्लो है क्या इसके अंदर। फंक्शन समझ में आ गया कि जो हम लोगों ने इंसर्ट फंक्शन बनाया, और कौन सा फंक्शन बनाया हम लोगों ने, कौन सा बनाया हम लोगों ने, एज एक्सा फंक्शन बनाया। ये दो चीजें हम लोगों ने बनाई है। यहां तक कोई इशू की प्रॉब्लम, सबको इशू है क्या, नहीं क्या, ऑल क्लियर है? शक्लों सारे इशू लग रहे हैं क्योंकि ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। Ajax मेथड जो है ना आपके पास बहुत ज़्यादा न्यू है, कभी भी हम लोगों ने इसमें हाथ नहीं मारा कि ये है क्या, ठीक है। अभी तक तो जितना काम कर चुके हैं हम, सारा स्ट्रक्चर बेस में काम कर चुके हैं कि एक्शन के अंदर हम लोग क्या लगता था, यूआरएल लगता था वहाँ पर, तो सारा काम हो जाता था, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, पीएचपी के साथ, कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम पीएचपी फाइल कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे हम लोग, पीएचपी फाइल कॉल करेंगे। यहाँ तक जो है ना न्यू था, अब आगे सारा हमारे पास क्या है, पुराना है। यहाँ पर सारा सारा हमारे पास क्या है, पुराना है। क्या करोगे यहाँ पर आप लोग, इफ, यहाँ पर आप लोगों ने लिखा इफ, इफ के बाद डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। और पोस्ट में आपको याद है हम लोगों ने यहाँ पे एक मेथड बनाया था, किस नाम से, मेथड इक्वल टू इंसर्ट, ठीक है ना। हम लोगों ने ये लिखा था ना वहाँ पर, अगर मेथड कौन सा हो यहाँ पर, इंसर्ट हो। फिर मैं यहाँ पर करता हूँ अभी एको जेसन अनकोड, जेसन अनकोड, अरे में क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ओके लिख दिया टेस्टिंग पर्पस के लिए। अगर मेथड क्या होगा हमारे पास, इंसर्ट होगा, यहाँ पर आ जाएगा। चेक करिए हम इसको, रिफ्रेश करते हैं, सबमिट करते हैं, वो क्या कह रहा है अभी, अनएक्सपेक्टेड टोकन बी आर, ओके इट्स नॉट वैलिड। वार्निंग आ रही है हमारे पास, वार्निंग क्या आ रही है कि अनडिफाइंड अरे की मेथड। अब ये बता दूं यहाँ पर नेटवर्क में आओगे, अब जो भी आपके फाइल के एरर होंगे ना वो कहाँ पर आएंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देख रहे हो फॉर्म एक्शन पीएचपी फाइल लिखी हुई यहाँ पर, ठीक है ना। स्टेटस क्या आ रहा है यहाँ पर, 200 आ रहा है, स्टेटस क्या आ रहा है यहाँ पर, 200 आ रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, ओके है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैं नेटवर्क में आता हूँ, फॉर्म एक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू में आएंगे। यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, अनडिफाइंड अरे की मेथड, कि हमारे पास इस नाम की कोई अरे की मौजूद नहीं है। होम पर आते हैं हम लोग, है तो यहाँ पर लिखा हुआ मेथड, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ईमेल, इसका से मैं कट करता हूँ मैं, ठीक है ना। इतने से कहाँ से कर दूंगा मैं, कमेंट कर दूंगा, और एको क्या करूँगा यहाँ पर मैं, फिर मैं एको करते हैं हम लोग यहाँ पर जेसन अनकोड, ये चीज कंट्रोल F5 ताकि कैश मेमोरी यहाँ पर रिमूव हो जाए। सबमिट करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अनडिफाइंड आएगी ईमेल, यानी कि जो पोस्ट से डाटा आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो दरमियान में कहीं पर क्या हो रहा है, लॉस्ट हो गया, दरमियान में कहीं पर आकर लॉस्ट हो गया। यहाँ पर देखो नल दिखा रहा है ना, चीज़ नल,
इसका मतलब क्या, कोई पोस्ट का डाटा नहीं आ रहा, कोई पोस्ट यहाँ पर डाटा नहीं आ रहा। यहाँ पर आऊँगा मैं, अब ऑप्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंटेंट। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? कंटेंट टाइप लिखेंगे, यानी कि हम लोग ने यहाँ पर चीज़ पढ़ी थी ना, एक चीज़ ये थी हमारे पास, फेच एजक्स जावास्क्रिप्ट। ये चीज हेडर, हेडर में हमारे पास क्या आएगा? कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। इसे कॉपी करता हूँ मैं और फिर इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। फिर मैं ठीक है सेव करते हैं। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, कंट्रोल F5 करते हैं, रिफ्रेश भी करते हैं साथ साथ हम लोग इसको, सबमिट करते हैं, यहाँ पर आते हैं अनडिफाइन एरर की ईमेल। ये क्या बात हुई, हमारे पास डाटा उधर क्यों नहीं जा रहा है? सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग, क्या चेक करते हैं कि जो फॉर्म वैल्यूज़ हैं ये वाली, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, क्या हमारे पास इधर आ भी रही है कि नहीं आ रही? डॉट एंट्रीज कंसोल में आते हैं हम लोग, सबमिट करता हूँ। क्या कह रहे अभी, फॉर्म वैल्यू डॉट एंट्री इज नॉट एन आइट्रेबल, इज नॉट आइट्रेबल। क्यों भाई? यहाँ पर आया, यहाँ पर आएगा फिर वो, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा डॉट एंट्रीज, हालांकि हमने यहाँ पे ये भेजा ना, यानी कि जो यहाँ से वैल्यूज आ रही है ना इधर से, वो इधर तक नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही? इसको यहाँ पे इससे कमेंट करता हूँ मैं, इसने इससे को कि ऊपर वाले फंक्शन में आ रही वैल्यूज क्या नहीं आ रही। आ रही है हमारे पास, मेथड भी आ रहा है इंसर्ट, ईमेल भी आ रहा है, पासवर्ड भी आ रहा है, यूजर नेम भी आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन इधर नहीं आ रहा। इधर क्यों नहीं आ रहा? अगर मैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, फॉर्म वैल्यू, ठीक है ना, हाँ फॉर्म डाटा तो आ रहा है यहाँ पर, फॉर्म डाटा हमारे पास इधर आ रहा है, तो फिर डॉट एंट्रीज नेटिव कोड, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, मसला कोई नहीं। मैं फिर क्या करूँगा कि इतने ऐसे को कॉपी करूँगा मैं, ठीक है ना, इसको यहाँ पे लिख दूँगा फिर मैं। अब बस यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास URL जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, इतने ऐसे यहाँ पर कमेंट कर दूँगा मैं फिर, और जो इसका सिलेक्टर है ये वाला, इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर कमेंट कर देते हैं हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या कह रहा है वो? ठीक है, दोनों तो यहाँ पर, अच्छा जी, यहाँ पर आगे अब चेक करते हैं हम लोग, क्या फॉर्म वैल्यूज, चलो जो वेरिएबल है इसमें एंट्रीज आ रही है कि नहीं आ रही? फॉर्म आईडी इज नॉट डिफाइंड, फॉर्म आईडी ये वाली ना, यहाँ पर भेजते हैं इसके आईडी, फॉर्म आईडी ये जो यहाँ से आएगी हमारे पास, इधर लिखता हूँ मैं इसको कोमा, इस टाइप लिख लेते हैं हम, सबमिट करते हैं। अब क्या कह रहा है वो, फॉर्म वैल्यूज डॉट एंट्रीज इज नॉट आइट्रेबल, दोबारा वही एरर आ रहा है, यानी कि मसला बताऊँ यहाँ पर क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है, डाटा यहाँ पर तो मौजूद आ रहा है, डाटा यहाँ पर तो आ रहा है, लेकिन जब मैंने फंक्शन के थ्रू यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ उसकी वैल्यूज यहाँ पर नहीं आ रही। यहाँ पर देख रहे हो, इसको यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर लिखूँ मैं, ये लाइन नंबर कौन सा आ रहा है, अभी इधर आ गया, एंट्रीज
फंक्शन है हमारे पास क्या? यहाँ पर आते हैं तो एंट्रीज तो शो करेगा वो क्या? नहीं करेगा ना, शो कर दिया उसने वैल्यूज यहाँ पर आ गई है। अब वो क्या कह रहा है, फॉर्म वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, फॉर्म वैल्यूज इज नॉट डिफाइंड। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, मैं अब यहाँ पे लिख दूंगा, फिर मैं यहाँ पर चलेगी। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर, एरर कह रहा है अनडिफाइंड एरर की ईमेल। अगर मैं जोसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके ख़त्म कर दूँ मैं, अब होना चाहिए इसको। ठीक, सबमिट करते हैं, ईमेल आ गई यहाँ पर। ये इशू था जो सारा गेम ख़राब कर रहा था ना हमारे, वो क्या ख़राब कर रहा था यहाँ पर, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब थोड़ा बहुत रिवर्स करते हैं हम लोग, दोबारा रिवर्स करते हैं इसको। देखो हर चीज़ का जो प्रॉब्लम होता है ना इसके अंदर, जो प्रोग्रामिंग के अंदर खास तौर पर, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता होता है। अब वो डिबगिंग कैसे करनी है आप लोगों ने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके यहाँ पर लगे थे, सेव करते हैं, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, सबमिट करते हैं। ईमेल आ गई यहाँ से, ईमेल कहाँ से आ रही है हमारे पास, फॉर्म एक्शन से आ रही है, देख रहे हो ये चीज़। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा मैं इफ़ मैथड पॉज से, जो हमारे पास क्या आएगा, मेथड किसके बराबर होगा, अगर इंसर्ट के बराबर है तो एको क्या करते हैं वो, जेसन करते हैं। यहाँ पर देख रहे हो, मैं रिफ्रेश नहीं करूँगा यहाँ पर, मैं इधर जो है ना फॉर्म को रिफ्रेश नहीं करूँगा, सबमिट करूँगा इस तरह करके। क्लियर होगा चीज़ का। स्क्रिप्ट में आते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर कंसोल लिखा है वैसे दोबारा कमेंट कर दूंगा मैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हुए एक मतलब है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमने काम किया ना, अभी जावा से मैंने चेंज करो उसे रिफ्रेश करना पड़ेगा, लेकिन पीएचपी फाइल को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जावास्क्रिप्ट के थ्रू कॉल होगी। अब जो है यहाँ पर आऊँगा मैं, अगर मेथड क्या होगा, इंसर्ट होगा डॉलर यूजर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट से क्या निकाल के थे मुझे वो यूजर नेम, कॉपी करके यहाँ पर आता हूँ मैं, पेस्ट करता हूँ। सेकेंड चीज हमारे पास क्या है, यहाँ पर ईमेल है, और फिर हमारे पास क्या है, पासवर्ड है। क्या है हमारे पास, पासवर्ड है, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पी एस डब्ल्यू, ये था ना हमारे पास, यस ठीक हो गया। अब जो है वैलिडेशन वगैरह आपको पता है कैसे लगानी है, वो आप लोग खुद करना। यहाँ पर जो है ना ये वाला जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है लिंक, लिंक से मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, इंसर्ट वाला। कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पर, इंसर्ट वाला फंक्शन कॉल करेंगे। माय इंसर्ट क्या काम करता है, दो चीज़ें वहाँ पर करता है, कौन कौन सी। फर्स्ट हमारे पास है टेबल नेम, टेबल नेम था ना हमारे पास, टेबल कौन सा इंसर्ट करा हमने, यूजर्स। सेकंड हमारे पास क्या है, डाटा, और डाटा कौन से फॉर्मेट में था हमारे पास, एसोसिएटिव अरे के अंदर था, किस में था हमारे पास, एसोसिएटिव अरे के अंदर था। इसमें कीज नेम हमारे पास क्या थी, कॉलम नेम था ना हमारे पास, कीज नेम हमारे पास क्या थी, कॉलम नेम, यूजर नेम आ गया यहाँ पर, इस तरह करके लिखूंगा मैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, डॉलर यूजर नेम, ये वाली। सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है, ईमेल, ईमेल यहाँ पर आ जाएगी, और फिर डॉलर ईमेल, और फिर वापस क्या आ जाएगा इसका, पासवर्ड, इधर क्या आ जाएगा, फिर डॉलर पासवर्ड। ठीक हो गया। अब इस एसटीडी वेरिए को मैंने यहाँ से कॉपी करना है, एक सेकंड पैरामीटर भेजना है मैंने। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना था, मैसेज को डिस्प्ले करना है। क्या करना हम लोगों ने यहाँ पर मैसेज को डिस्प्ले करना है, लेकिन उससे पहले ना मैं यहाँ पर एक चीज़ चेक कर लूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर जो था इधर एको किया हुआ ना, इधर वापस को एको किया हुआ। अब इधर जो है ना मैं मैसेज कुछ नहीं भेजूँगा, मैं इधर से मैसेज नहीं भेजूँगा, मैं नल
नल के बाद हमारे पास जो है इफेक्टिव डोज है ना, यहाँ पर नल भी यहाँ पे करेंगे और फिर ट्रू कर दूंगा फिर मैं, कि मेरे पास जो है ना मैसेज भी घुसना है, नंबर्स भी घुसना है, क्या आ जाए हमारे पास अफेक्टेड रोज आ जाए, यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा उसको मैं, क्या करूँगा मैं उसको मैं रिटर्न। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आता हूँ मैं, इसके यहाँ पर डॉलर इंसर्ट लिख देते हैं हम, ऐसा करते हैं हम इंसर्ट इक्वल टू। अब क्या चेक करूँगा मैं, इफ क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, इफ इंसर्ट, अगर इसमें ट्रू होगा, अगर इसमें क्या होगा हमारे पास ट्रू होगा तो फिर यहाँ पर देख रहे ऑब्जेक्ट बनाया हेल्प वाले का, हेल्प वाले में से हम लोगों ने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, सक्सेस मैसेज वाला, इसमें से वो क्या प्रिंट करेगा डाटा, डाटा हैज बीन इंसर्टेड, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद जो है ना मुझे यहाँ पर जो है ना एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल डॉलर स्टेटस के नाम से, किस नाम से, स्टेटस, जिसमें हम लोग क्या सेव करेंगे, एक तो की होगी कौन सी वाली, एरर नाम की, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी जीरो होगी, और यहाँ पे क्या सेव करूँगा मैं, मैसेज, मैसेज हमारे पास क्या होगा एक अरे होगा, क्या होगा हमारे पास एक अरे होगा, ठीक है। अब जो है इस वेरिएबल को कॉपी करूंगा मैं, यहां पर आऊंगा मैं, और यहां पर हम ऐसा करते हैं स्टेटस का जो मैसेज है, कौन सा वाला के अंदर जो मैसेज है ना, इसके अंदर हम आपका क्या सेव कर दे, इस चीज को सेव कर दे, ठीक है ना, इसलिए लोग क्या कर दे वो सेव कर दे। अगर मैं इस फंक्शन में आता रिटर्न हो रहा है ना यहाँ पर, ये हाँ जी रिटर्न हो रहा है हमारे पास, ठीक है, रिटर्न होकर यहाँ पर आएगा, किस में सेव हो जाएगा फिर वो मैसेज में सेव हो जाएगा। अब क्या करूँगा यहाँ पर मैं, एको जेसन अनकोड, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, जेसन अनकोड, ये करता क्या है, एक एसोसिएटिव अरे को कन्वर्ट कर देगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दूंगा, जो हमारे पास स्टेटस अरे है ना उस चीज़ को पूरा रिटर्न कर दे। सेव करते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारे पास कंसोल में आ रहा है ना डाटा, हाँ जी आ रहा है, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ मैं, यूज़र नेम लिखा है मैं, यहाँ पर सबमिट करते हैं, वहाँ पर रिटर्न में क्या आ रहा है, एरर जीरो, मैसेज पूरा आ गया वाला, आ गया ना। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर आऊँगा, मैसेज को डिस्प्ले करना है, क्या करना है, मैंने यहाँ पर मैसेज को डिस्प्ले करना है, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इधर ही लगे तो फंक्शन बनाऊँगा, इधर फंक्शन शो मैसेज के नाम से, किस नाम से, शो मैसेज के नाम से, जिसमें से बस एक पैरामीटर रहेगा, क्या क्या कौन सा पैरामीटर रहेगा, सिर्फ एक पैरामीटर रहेगा आईडी का, ऐसा कहते हैं आउटपुट आईडी का पैरामीटर रहेगा, ठीक है। और ये आईडी कहाँ से आएगी हमारे पास, यहाँ से आएगी, इधर से इस यूआरएल के बाद एक और पैरामीटर भेज दूंगा मैं, हैशटैग मैसेज के नाम से, किस नाम से, हैशटैग मैसेज के नाम से, और यहाँ पर मैसेज करते हैं आउटपुट शो कर देते हैं, आउटपुट नाम का जो है ना टैग बनाऊंगा मैं यहाँ पर, तो यार डीवी बना दो यहाँ पर, डीवी बना दी, आईडी यहाँ पर क्या आ जाएगी फिर, इज इक्वल टू मैसेज आ जाएगी, ठीक है। ये आईडी हमने कहाँ भेज दी, इधर भेज दी, ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास है, फॉर्म एजेक्स सबमिट, मैं यहाँ पर आया, इधर से हमारे पास क्या आ गया, इधर आएगा वो, इधर आ जाएगा, यहाँ पर एक पैरामीटर कौन सा आ जाएगा, आउटपुट आईडी के नाम से, इस पैरामीटर को कहाँ भेजना है मैंने, एजेक्स के अंदर भेजना है, और फिर कहाँ भेजना है मैंने यहाँ पर, मैसेज के अंदर भेजूंगा, यहाँ पर फंक्शन कॉल करूँगा कौन सा वाला, शो मैसेज के नाम से फंक्शन कॉल किया, इसमें से वी वाली आईडी आएगी, ठीक है ना, वो खैर है स्पेलिंग यहाँ पर लिखे हुए नहीं वाले, जो यहाँ पर लिखूंगा वो यहाँ पर लिखूंगा मैं। अब यहाँ से आईडी कहाँ पर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। अब जो है यहाँ पर मैं चेक करना, इफ ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा कर देंगे, शो कर देंगे, शो करेंगे डॉलर, डॉलर यहाँ पर लेट
HTML के नाम से वेरिएबल बनाया है। सेलेक्टर क्या बनेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, क्यूरी सेलेक्टर के नाम वापस क्या आ जाएगा, आउटपुट आईडी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, HTML डॉट इनर HTML इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें से क्या लिखेंगे, इसके अंदर एक और पैरामीटर भेज देंगे डाटा के नाम से, किस नाम से, डाटा के नाम से, ये डाटा यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद इधर आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है ना। कि इसके इनर HTML में रिजल्ट डॉट मैसेज, क्या चीज, रिजल्ट डॉट मैसेज, ये है हमारे पास ये वाला, ठीक है ना। इसमें से क्या निकाले, डाटा में, डाटा का जो डाटा होगा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर आ जाएगा, इधर पास होकर इधर आ जाएगा। मैंने कहा इसमें से क्या निकाल के दे, वो मैसेज निकाल के दे। अब यहाँ पर आते हैं एक मतलब, यहाँ पर कंट्रोल F5, कंट्रोल R, कंट्रोल F5 से क्या होता है, जो उसकी कैशिंग मेमोरी होती है ना जावास्क्रिप्ट की, वो मतलब रिफ्रेश हुई थी पूरी की पूरी। सबमिट करते हैं, हमारे पास एरर आया था, एरर क्या कहता है अभी, इट्स नॉट डिफाइंड इधर, नहीं 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 यहाँ पर देख रहे हो एजेक्स के अंदर मैंने यहाँ पर भेजा नहीं, मैंने इधर इधर तो भेज दिया लेकिन मैंने इधर नहीं भेजा, इधर आएगा फिर इधर से इधर आ जाएगा फिर इधर से इधर आ जाएगा, एक काफ़ी लंबी चेन बन रही है यहाँ पर, नहीं अवेली। रिफ्रेश करते हैं, अब सबमिट करते हैं, यहाँ पर उसको एक और एरर आता है, एरर कह रहा है डाटा डेट, डेट कहाँ पर लिखा अभी, यहाँ डाटा है भाई सभी, कंट्रोल F5 कंट्रोल R, यहाँ पर आते हैं हम लोग सबमिट करते हैं, क्या अभी शो नहीं हुआ, यहाँ पर आ गया एरर इंसर्टेड, नहीं ये तो नहीं है, सोर्स नेटवर्क में आते हैं हम लोग, कंट्रोल R करता हूँ यहाँ पर मैं, और चेक करते हैं सबमिट में आ गया, रिस्पॉन्स में आ रहा मैसेज, आ रहा मैसेज। इधर आते हैं हम लोग, यहाँ पर चेक करता हूँ कंसोल, यहाँ पर टेस्ट करने के लिए ना जावास्क्रिप्ट में आपको पता ना टेस्टिंग कैसे करते हैं, कंसोल डॉट लॉग में चेक करते हैं क्या रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो रिजल्ट है हमारे पास इधर शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, अभी कंसोल में कुछ शो नहीं हो रहा ना यहाँ पर। रिफ्रेश करते हैं, मैं यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ, सबमिट करता हूँ, यहाँ पर आ रहा है डाटा, डाटा हमारे पास इधर आ रहा है, क्या हमारे पास इधर ये आईडी आ रही है कि नहीं आ रही, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर आता हूँ सबमिट करता हूँ, आईडी आ रही है यहाँ पर मैसेज वाली, आ रही है आईडी यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है हाँ ठीक है। अब इधर आ गया HTML डॉट इनर HTML, हाँ स्पेलिंग गलत हो गया ना यहाँ पर, इधर के लिखा था हम लोगों ने इससे करके इनर HTML, इसका मसला था। अब यहाँ पर आते हैं कंट्रोल F5 कंट्रोल R, ठीक है डाटा हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, डाटा हैज बीन इंसर्टेड, ये लो जी पेज लोड भी नहीं हुआ, डाटा हमारे पास इंसर्ट भी हो गया। इधर आते हैं हम लोग, ब्राउज पर क्लिक करूँगा, ये देख रहे क्लियर हो गया चीज़ का। उसके बाद जो है होम पर आते हैं, होम पर में से हम लोगों ने इस फिलर को क्या करना है, हिडन करना है, क्या करना है हम लोगों ने इसको हिडन करना है, कंट्रोल F5 नहीं कंट्रोल R, ठीक हो गया। यहाँ पर लिखा हम लोगों ने डाटा को लिखा, सबमिट करेंगे, डाटा हैज बीन सबमिट अपडेटेड। उसके बाद अगर आप लोगों ने इसको रिमूव करना हो कुछ सेकंड बाद तो क्या करोगे, रीड्रेट क्यों करेंगे, रिफ्रेश भी नहीं करेंगे, मैं रिफ्रेश करना ही नहीं है मैंने, मैं यहाँ पर लिखूंगा सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, इसमें एक फंक्शन आता है हमारे पास, एग्नोर में फंक्शन होता है, और सेकंड पैरामीटर क्या होता है इसका, कितने सेकंड में चले, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, एक सेकंड बाद क्या होगा, जो इसकी HTML होगी ये वाली वो क्या हो जाए, खाली हो जाए, क्या हो जाए हमारे पास, खाली हो जाए। कंट्रोल F5 यहाँ पर लिखते हैं हम, सबमिट करते हैं, अब वो एक सेकंड बाद यहाँ पर खाली हो गया। अब इसके ऊपर आप एडमिशन लगा सकते हो जो सी मर्जी, और पैस्ट्री लगा लो जो मर्जी लगाओ यहाँ पर आप, ठीक है ना। ये आपका काम क्या हो गया है, किसका काम,
इंसर्ट का हो गया होगा। अब अपडेट डिलीट आप लोग खुद करना। अपडेट में यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म, फॉर्म यही बनेगा, फॉर्म सारा का सारा यही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर किसका इजाफा हो जाएगा, बस आईडी का इजाफा हो जाएगा। किसका इजाफा हो जाएगा, आईडी का इजाफा हो जाएगा। ये भी सारा कोड यही रहेगा, स्क्रिप्ट का सारा कोड यही रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तभी तो मैं इसको यूनिवर्सल बनाया था, क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत खपना ना पड़े, ठीक है। सारा का सारा कोड यहाँ पर रहेगा, देख रहे हो ना। डाटा के वैल्यूज होंगे यहाँ से उठ के कहाँ पर आएंगे, इधर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फैच हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सारा का, मतलब आपका यहाँ पर है। अगर मैसेज क्या होगा, यहाँ पर इंसर्ट होगा तो इंसर्ट कर देगा। अगर मैसेज यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, अपडेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा मैसेज आ जाएगा, वो अपडेट पर आ जाएगा। अपडेट यहाँ पास आई डीज निकालेंगे, ई मेल यूजर नेम पासवर्ड निकालेंगे, यहाँ फंक्शन कॉल करेंगे, अपडेट वाला काम हो गया, फिर मैसेज कर दोगे, कर दोगे सारा काम। अब सारा का सारा काम आपको यहाँ पर ही होगा फॉर्म एक्शन के अंदर। जावास्क्रिप्ट वाला काम हो चुका सारा कंप्लीट, उसको मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल बनाया है, यहाँ मैंने इसको यहाँ पर यूनिवर्सल बनाया है। आप अगर चाहते हो कि पोस्ट मैं आपको खुद चेंज करूँ फंक्शन के जरिए, कि पोस्ट में तो पोस्ट हो जाए, गेट हो जाए गेट हो जाए, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना जो काम बना दिया ना मैंने आप लोग के लिए बहुत है, ठीक है ना। कॉल कैसे करोगे, फंक्शन कॉल करोगे, फर्स्ट पैरामीटर कौन सा होगा, फॉर्म का होगा। सेकंड पैरामीटर कौन सा होगा, बटन का होगा। थर्ड पैरामीटर क्या होगा, आप लोगों का यूआरएल, जिस फाइल में उसने जाना है। उसके बाद कौन सा यूआरएल, आईडी, मैसेज की आईडी, कौन सी आईडी यहाँ पर आएगी, फिर मैसेज की आईडी, ठीक। बस आप लोगों का काम इतना होगा, और कौन सी फाइल में काम होगा, इस फाइल के अंदर काम होगा, ठीक है ना। अब इसका यहाँ पर जो चीज़ है ना, वो ये है, जो हमने काम किया इसका फ़ायदा क्या, इसका फ़ायदा ये है, यहाँ पर देख रहे हो हमारी डेटाबेस वाले यहाँ पर हिडन है, डेटाबेस वाले यहाँ पर हमारे पास हिडन है, हम सिर्फ यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगले बंदे को पता नहीं होगा किस डेटाबेस में काम हो रहा है, किस टेबल के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अब तो पे लोड भी नहीं हो रहा, रिक्वेस्ट भी नहीं आ रही, डेट इसके थ्रू यहाँ पर आ रहा है, क्लियर हो गया। जो वैलिडेशन वगैरह होंगे आप लोगों ने यहाँ पर करनी है, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पर एक छोटी सी वैलिडेशन बता दो क्या होगी, इफ, मैंने इफ क्या लिखा, इफ नॉट इज सेट, अगर हमारे पास ईमेल या फिर यूजर नेम खाली है, क्या है हमारे पास खाली है, एंड एंड एम्प्टी, क्या लिखा मैंने यहाँ पर एम्प्टी, इस तरह करके लिखा, अगर ऐसा है, अगर हमारे पास ऐसा है, देन हमारे पास स्टेटस जो वेरिएबल बनाया हुआ ना, उसमें से जो एरर है, कौन सा वाला एरर, क्या करते हैं हमारे पास प्लस प्लस कर दे, और उसका जो मैसेज है, ये जो मैसेज है ना, इसका पूरा कॉपी करूँगा मैं, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर लिखूँगा मैं, और फिर कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग, यहाँ पर एरर मैसेज कॉल करेंगे, यहाँ पर एरर क्या आएगा, यूज़र नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, मैंने यहाँ पर ही लिख दिया मैंने, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको एको जेसन इनकोड कर देंगे, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास इंसर्ट फंक्शन कब चलेगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, इफ अगर एरर क्या होंगे, किसके बराबर होंगे, अगर एरर इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ऐसे करते हैं, अगर हमारे पास, ठीक है, इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा करते हैं, ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं, अगर हमारे पास एरर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट करिए, बस आपका तीन चार एरर आ गए, तो यहाँ पर एरर की वैल्यू क्या होगी, थ्री या फोर होगी, ठीक है ना, जारी बात है, ग्रेटर देन जीरो चला गया। अगर ऐसा है देन हमारे पास क्या कर दे, उसको जेसन इनकोड कर दे स्टेटस को, क्या कर दे जेसन इनकोड कर दे स्टेटस को, एल्स में क्या करे, अगर हमारे पास एरर इक्वल टू जीरो होगा, जाहिर बात है फॉल्स हो जाएगा ना यहाँ पर, तो कहाँ पर आ जाएगा वो, इंसर्ट में आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा फिर वो, इंसर्ट पे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो जरा, अगर इसके अंदर एरर होगा तो एरर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, और मैसेज के अंदर क्या सेव हो गया, ये सेव हो गया, सेव वैसे कॉपी करूँगा मैं, और कहाँ लिखूँगा फिर मैं, इधर लिखूँगा, इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा मैं, और इधर भी पेस्ट कर दूँगा, इधर क्या लिखूँगा फिर मैं,
ईमेल शुड नॉट बी एम्प्टी लिख दूंगा फिर मैं। उसके बाद फिर इसे यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट, पासवर्ड के लिए भी ऐसा कर लिख दो, ठीक है ना। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। यूजर ने अभी खाली यहाँ पर सबमिट करते हैं। अब इतनी चला क्यों नहीं चला, एरर आ रहा है, एरर ये कर अभी। अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ एजेक्स, ओके। नेटवर्क में आते हैं, पर कंट्रोल आर करते हैं, सबमिट करते हैं, इधर आते हैं, प्रीव्यू में क्या आ रहा है हमारे पास? प्रीव्यू में हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा अभी? इफ एल्स हम खत्म हो गया, ठीक है। एरर प्लस प्लस हुआ, ठीक है। एको जेसन इनकोड दिस वन, ये क्या बात हुई? सबमिट करते हैं, फंक्शन यहाँ पे फाइल कॉल होगी, लेकिन रिस्पॉन्स में आपको कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि वो इफ कंडीशन के अंदर आ ही नहीं रहा यहाँ पर। अगर इसके अंदर कॉपी करके यहाँ पे लिखूँ मैं, ठीक है, सबमिट करता हूँ मैं। अब कुछ लिखा रहे यहाँ पर, ये लिखा रहा, हाँ मैसेज यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर वहाँ पर जो कीज आ रही हैं, की का जो मैसेज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपडेट लिखा हुआ है। हमारे पास क्या है यहाँ पर, इंसर्ट के लिए बना हुआ है। किसके लिए बना है वो? इंसर्ट के लिए बना हुआ है, तभी तो काम नहीं हो रहा वो। रिफ्रेश, सबमिट, डाटा हैज बीन इंसर्टेड हो गया, क्यों भी? वो इधर आएगा तो इधर आना चाहिए ना इसको, एल्स में क्यों आ रहा फिर वो? अगर स्टेटस में जो एरर है ग्रेटर देन जीरो होगा, हाँ ठीक है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर आना चाहिए इसको, ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ पर कर देंगे, डाई कर देंगे, ऐसे करते हैं। यहाँ पर डाई लिखता हूँ मैं, यानी कि इसके बाद क्या होगा, कोड नहीं चलेगा, इसके बाद हमारे पास कोड नहीं चलेगा। एरर यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, ओके, हाँ ठीक है ना। माई फॉल्ट, माई फॉल्ट, अगर दोनों में से कोई भी क्या होगा, खाली होगा, क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल, तो फिर काम होगा। यहाँ पर आ गया, यूजर नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, वहाँ पर एक सेकंड का डिले लिखा था ना वहाँ पर हमारे पास। स्क्रिप्ट में आते हैं और यहाँ पर जो है ना इसको कर देते हैं 2 सेकंड का। सबमिट, ये लिखा आ गया, यूजर नेम शुड नॉट बी एम्प्टी। अगर पासवर्ड भी आ गया हमारे पास, अब हमारा मसला आ गया, यहाँ पर देख रहे हो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों के यहाँ पर हो गए खाली हो गए। अब इसने यहाँ पे क्या शो किया, यहाँ पर ईमेल शुड नॉट बी एम्प्टी, हालांकि ईमेल तो लिखी हुई है यहाँ पर, लिखा हो ना ये वाला, ठीक है, क्योंकि आई थिंक सो मैंने वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईमेल लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा पासवर्ड, ठीक है, ये लिखेंगे, लेकिन उसे यूज़र नेम ही शो किया। अब कैसा क्यों है वो भी आपको लोगों को एक मतलब दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा, क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर, पासवर्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। हाँ जी, आपको दिखाता हूँ मैं मसला क्या आ रहा है इसके अंदर। मसला यहाँ पर सारा काम से चल रहा है, सारा सारा काम से चल रहा है। रिस्पॉन्स में देख रहे हो हमारे पास जो 2 एरर मैसेज हैं, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हो ओवर एट हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास? ओवर एट हो रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, अरे पुश, कि जौन सा मैसेज यहां पर आएगा, जौन सा मैसेज हमारे पास क्या आएगा, डॉलर स्टेटस मैसेज के अंदर जो है ना क्या करता है उसको पुश करता है। इसको कॉपी करके इसमें लिख दूंगा, ठीक है ना, ऐसा ऐसा कट को कॉपी करता हूँ मैं इसको, और फिर यहाँ पर लिख दूंगा, फिर मैं
यहाँ पर क्या लिखूँगा फिर मैं, ईमेल। इसे ना तो कॉपी करूँगा फिर मैं, और कहाँ लिखूँगा फिर मैं, ऐसे लिखूँगा मैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, वो पासवर्ड आ जाएगा। अभी हमारे पास वहाँ पे अरे आ रही होगी, क्या आ रही होगी वहाँ पर हमारे पास, अरे आ रही होगी। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पास, अब यहाँ पर दो पासवर्ड एम्प्टी फील्ड है ना, यहाँ पर सबमिट करते हैं। यहाँ पर आ गए अरे बने आ गए यहाँ पर, 0 और 1 बने आ गए ना यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर सबमिट करते हैं, यहाँ पर कॉमा बना आ रहा है ये वाला, ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लूप लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, लूप लगाएंगे। लूप लगाने के लिए क्या होता है हमारे पास, इस यहाँ से कट करूँगा मैं, ठीक है। पहले इसको एक मरतबा खाली कर दूँगा मैं। खाली करने के बाद फिर क्या होगा, फॉर लूप लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर, फिर फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप में हमारे पास क्या होगा, HTML डॉट इनर HTML कॉनकैट, क्या चीज कॉनकैट, जो वहाँ पर चलेगी इंडेक्स ये वाली, कहाँ तक चलेगी वो, इसकी जो लेंथ है, इस वाले की जो लेंथ है उससे एक लेस देन, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर रिजल्ट मैसेज, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा बस, ठीक है ना। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे लगता हूँ मैं। अब इसको जो है ना सबमिट करते हैं, यूज़र नेम वाल के आ गया, पासवर्ड लिखा आ गया, कॉम भी ख़त्म हो गया। सिंपल सा लूप लगाया मैंने इसके ऊपर, अरे थी ना वो हमारे पास, वो कहते हैं यहाँ पर अरे थी, जितनी हमारे मैसेज की लेंथ होगी उतनी मरता लूप चलेगा, ठीक है। और फिर क्या कर देगा, इसके इनर एचटीएमएल के साथ कॉन्टैक्ट करते रहेगा, और 2 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, ये जो कंटेंट लिखा था ना ये वाला, वो ख़त्म हो जाएगा, क्लियर है। अगर वहाँ पर ईमेल भी नहीं होगी, सबमिट करूँगा, तीनों लिखे आएंगे, क्लियर होगा चीज़ का, थोड़ा बहुत क्लियर होया होगा, थोड़ा बहुत ना क्लियर होया होगा। जब खुद परफॉर्म करोगे आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।